This conference will now be recorded. मैं नॉर्मल ऑटोकैड बिल्कुल खुद भी नहीं चाहता कि नॉर्मल ऑटोकैड हम लोग पढ़े। नॉर्मल तो पढ़ लिया, अभी बेसिक्स हमारा हो चुका। अब हम थोड़ा कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। तो पहले हम पढ़ेंगे हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग, थोड़ी सी इसके डिस्कशन, उसके बाद थोड़ा सा और इंजीनियरिंग और डीप में समझेंगे। तो चलो पहले इसको देखते हैं। आज हमारा जो कॉन्सेप्ट है ये सॉफ्टवेयर का क्लास नहीं है, ये कॉन्सेप्ट का क्लास है। आप बैकग्राउंड में सारे ड्राइंग कंप्लीट करते रहो। और अभी दो क्लासेस और जाएंगी आपकी सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड के लिए, जिसमें हम कॉन्सेप्ट समझेंगे, जिसमें एक में हम लोग बिल्डिंग बाय लॉ के बारे में समझेंगे और एक, हाँ क्वेश्चन कमेंट कर दो अभिषेक, अभी एक साथ सबके क्वेश्चन आंसर कर देंगे, आराम से कमेंट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। एक बिल्डिंग बाय लॉ, एक रेरा भी पढ़ेंगे इसके बाद। पहले इसको देखते हैं, फुल स्क्रीन है, फुल स्क्रीन। चलो ध्यान से समझना सब लोग। हाउ टू रीड इंजीनियरिंग ड्राइंग्स, सिविल एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग्स। तो सबसे पहले क्या होता है, आपको पता होना चाहिए ड्राइंग दो तरह की होती है। एक ड्राइंग होती है दैट इज ड्राइंग बेसिक्स, ड्राइंग बेसिक्स, और एक होती है सिविल एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग। ड्राइंग बेसिक का मतलब क्या है? ड्राइंग का बेसिक का मतलब है कि जस्ट आपने एक नॉर्मल सा ड्राइंग का बनाया पेपर पे, एक रूम यहाँ रख देंगे, एक बाथरूम यहाँ रख देंगे, कुछ इस तरीके से नॉर्मल स्केच किया, दैट इज योर ड्राइंग बेसिक्स, जिसमें कुछ भी हम डिटेल्स नहीं करते। एक सुनाई नहीं दे रहा है, ऐसे कैसे हो सकता है? ओके, क्या किसी को नहीं सुनाई दे रहा है? कोई मैसेज करेगा सुना? एक यहाँ पे अमन बोल रहा है, सुनाई दे रहा है ना? सुनाई दे रहा है सुनाई दे रहा है। एक बार अमन फिर हाँ से, अच्छा उसको पता नहीं चल रहा होगा, एक मिनट उसको बोल देता हूँ, फिर से आ जाओ। ओके ओके ठीक, थैंक यू थैंक यू। ओके तो एक होता है, ठीक है, अभी हम बीच में थोड़ा सा कम कमेंट करेंगे, बाद में कमेंट करेंगे, पता है क्यों? अभी बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत फोकस पॉइंट है ये। तो देखो ड्राइंग बेसिक्स मतलब जहाँ पे हम लोग एक नॉर्मल ड्राइंग का हम लोग एक सोच लेते हैं, भाई ऐसा ऐसा हम रूम बनाने वाले, ऐसा ऐसा हम कॉलम बनाने वाले, कुछ इस तरीके से, मतलब कॉलम और नहीं, सिर्फ रूम के डिटेलिंग्स के एक थोड़ा एक्स्ट्रा ऐसे हमने सोच लिया। एक होती है सिविल एंड आर्किटेक्चर ड्राइंग्स, जिसमें सिविल ड्राइंग में क्या होता है, उसमें हम लोग बीम्स और कॉलम्स को फोकस करते हैं, सेंटर लाइन दिखाते हैं, लेआउट दिखाते हैं, वो सब कुछ क्या होती है सिविल ड्राइंग्स में आती है। आर्किटेक्चर ड्राइंग के अंदर हम रूम का प्लेसमेंट दिखाते हैं, कौन सा रूम कहाँ पर रखेंगे, और ये रूम यहाँ रखेंगे, ड्राइंग रूम यहाँ रखेंगे, बाथरूम यहाँ रखेंगे, ये सब कुछ यहाँ पे प्लान किया जाता है आर्किटेक्चर ड्राइंग्स में। कॉलम का लेआउट और एग्जैक्टली लेआउट, सेंटर लाइन ड्राइंग्स, ये सब कुछ हम लोग सिविल ड्राइंग्स के अंदर देखते हैं। अब ड्राइंग बनाते क्यों है, यहाँ पे भी हमको समझने की जरूरत है कि पर्पज ऑफ ड्राइंग, ठीक है, आप खाते क्यों हो? जिंदा रहने के लिए। ऐसे ही आप ड्राइंग क्यों बनाते हो? तो ड्राइंग आर यूज टू कन्वे इंफॉर्मेशन अबाउट अ वाइड रेंज आइटम सच एज। ड्राइंग क्या है आपके, बहुत अब क्यों, क्योंकि देखो जब प्रोजेक्ट होता है बहुत सी चीजें रहती हैं, और उसमें से इतनी चीजों को एक साथ अगर आप सोचो कि ऐसे बिना किसी प्लान के सोच लो कि हमको ऐसे ऐसे बनाना है, जैसे हम लोग अपने कैरियर के साथ करते हैं, कुछ भी कर लिया, चलो अच्छा ये कर लिया, चलो इसके बाद ये कर लेते हैं, प्लानिंग नहीं करते हैं। और आपको पता है कि जिसका कैरियर का प्लान नहीं रहता उसका कैरियर कैसा हो जाता है। सो हमें क्या करना पड़ता है, प्लान करना पड़ता है कैरियर को, क्योंकि पूरी लाइफ का सवाल है। इसी तरीके से पूरे ड्राइंग का कंप्लीट की एक घर रूम यहाँ बनेगा, ये रूम यहाँ बनेगा, इसका अगर आपने लेआउट नहीं बनाया पहले से, पहले ड्राइंग नहीं बनाया, तो आप परफेक्ट नहीं बनवा पाओगे। तो इसमें देखो इतनी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है। पहली आर्किटेक्चरल बिल्डिंग्स लेआउट, पहले आर्किटेक्चर लेआउट बना लो बिल्डिंग का, एग्जैक्टली कैसा कैसा क्या रखने वाले हो, तो इसके लिए इसकी इंफॉर्मेशन मिल जाती है कहाँ पे, ड्राइंग में। दूसरा, अब देखो घरों में कितने तार होते हैं, आप बहुत अच्छा सा एक कॉन्फ्रेंस हॉल बनाओ और उसके बाद उसमें तार लटका दो, जैसे गांव में अपने तार होते हैं ना, वायर ऐसे लटका दिया, एक बल्ब टांग दिया, वैसा लटका दो, कैसा दिखेगा वो पूरा इतना अच्छा सा, अगर आपका अच्छा सा कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है तो एकदम बेकार हो जाएगा। तो इलेक्ट्रिकल वायरिंग के लिए बहुत बड़ी सी हमको क्या करनी पड़ती है, ड्राइंग हमें बनानी पड़ती है। ओके, इसी तरीके से आपको यहाँ पे लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, क्या होता है कि अगर आपने कोई रूम है, अब उस रूम में परफेक्ट जगह पे लोकेशन नहीं रखा हुआ है, तो आपको वो उतना इफेक्टिव नहीं दिखेगा वो स्ट्रक्चर्स। तो आपको क्या करना है, लोकेशन ऑफ इक्विपमेंट्स, अब मान लो कि आपका बेडरूम है, अब आपके बेडरूम में बेड ही नहीं लगाया हमने, लोकेशन ही नहीं दिया, या फिर बेड गेट खुलते ही बेड लगा दिया, कुछ
कोई मजा आएगा क्या? नहीं, उसका एक परफेक्ट प्लेस होगा तो वहां से वो प्रॉपर दिखेगा, उससे लुक आएगा, बेड का रूम के शोभा को बढ़ाएगा, रूम के एस्थेटिक व्यू को बढ़ाएगा। तो इसके लिए भी ड्राइंग बनाते हैं। हाउ टू असेंबल इक्विपमेंट्स। अभी देखो होता क्या है, पहले कैसे होता था, पहले सोफा के नाम पे एक प्लास्टिक दो लकड़ी की चेयर्स लगाते थे, और उसके बाद लकड़ी की चेयर्स लगा के क्या किया, उसके ऊपर एक ऐसे नॉर्मल सा चेयर लगा दिया, वो सोफा बन जाता था हमारा बैठने के लिए, जो लकड़ी का होता था। बट अभी आप देख रहे हो कैसे कैसे सोफे बन रहे हैं। तो हाउ टू असेंबल इक्विपमेंट्स मतलब आपके व्यू को, थिंकिंग को बढ़ाने के लिए एक अच्छी सी स्केचिंग करना भी बहुत जरूरी है। तो उसको बोलते हैं हाउ टू असेंबल। तो उसमें क्या करेंगे हम लोग, असेंबल कर लेते हैं प्रॉपर, कैसा भी स्ट्रक्चर हमें चाहिए उस तरीके से। इसके बाद होता है डिटेल्स ऑफ इक्विपमेंट्स। मान लीजिए आपने एक क्या बनाया, सोफा ही मान लीजिए, सोफा ही बनाया। अब सोफा के अंदर क्या क्या लगती है, आज सुबह सुबह हमारी बात हो रही थी मनोज जी से, हम लोग इन्होंने मुझे बताया बोर्ड स्ट्रक्चर्स के बारे में। तो उसमें एक WPS बोर्ड होता है, उससे अगर आप घर बनाते मतलब कि घर के लकड़ियों का काम करवाते हैं तो काफी अच्छा रहता है वो। तो वो CNC की कटिंग, CNC मशीन से उसकी कटिंग होती है, उसकी डिजाइनिंग होती है। तो अब क्या हो रहा है, ऐसे अगर ढेर सारा इक्विपमेंट्स आप बना रहे हैं, उसका डिटेलिंग नहीं करेंगे, तो आप कितने बार मार्केट में जाएंगे, यार इस बार नट भूल गए, उस बार हैंडल भूल गए, उस बार वो भूल गए, ये भूल गए। तो ये सब इंफॉर्मेशन पाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, ड्रॉइंग बना लेना चाहिए। जैसे हम घर में अभी सामान लेके आते हैं, अभी लॉकडाउन से पहले आप सब सामान लेने गए होंगे तो एक लिस्ट बनाया होगा कि क्या क्या चाहिए। उसी तरीके से घर में काम मतलब कि कोई भी बिल्डिंग कंप्लीट करने के लिए एक ड्रॉइंग बनानी चाहिए, एक स्केच बनाना चाहिए कि एग्जैक्टली हमें क्या क्या लगने वाला है, उससे आइडिया लग जाता है बस। नेक्स्ट, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही मजेदार है, बहुत से इंटरव्यू में पूछ लिया जाता है, लोग बड़ी बड़ी चीजें पढ़ के जाते हैं, ये चीज भूल के आ जाते हैं। तो इसमें क्या आपको पढ़ना है, आपके पेपर साइजेस के बारे में हमेशा पूछते हैं। क्यों? क्योंकि देखो क्या होता है कि कोई भी इंटरव्यूअर ना, जैसे कि मैं भी अभी अपने कंपनी में इंटरव्यू लेता हूँ, तो मैं पढ़ के थोड़ी जाता हूँ कि मुझे इंटरव्यू आ लेना है, मुझे ईमेल आएगा कि आप एकदम रेडी हो के आना, पढ़ के आना। नहीं यार, कोई पढ़ के इंटरव्यू कभी भी नहीं लेता है। इंटरव्यूअर अपने आसपास की कोई चीज या फिर आपकी CV पे ही फोकस करता है। अब CV हाथ में होती है तो CV जनरली पेपर पे होती है, तो क्या करता है इंटरव्यूअर को कुछ नहीं समझ आया, आपके CV में कुछ भी दम नहीं दिखा, तो क्या पूछेगा, अच्छा बताओ इस पेपर का साइज बताओ, ऐसे बहुत होता है। ये भी बता दिया, हम लोग प्रिंटिंग किस पे करते हैं, A2 पे करते हैं, अच्छा A2 का साइज बताओ, हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखो इसको रटने का मैं तरीका बता रहा हूँ, रटना नहीं समझना है केवल, ये पेपर यूज नहीं करते, इसको हटा, बस ऊपर का देखना है। यहाँ पे आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट साइज होता है वो होता है A4 साइज होता है। कौन सा होता है A4? जो कि जनरल यूज में आप नोटबुक वगैरह में यूज करते हो, उसका साइज MM में 210 × 297 mm होता है। कितना होता है, 210 × 297 mm होता है, ठीक है। ये किसका है, A4 का। अब देखो A3 का कैसे याद करना है, A3 के लिए ये जो 297 है इसका, बस इसका याद कर लो तुम, बस 210 × 297 याद हो गया, 210 × 297 दिमाग में बैठा लो। अब A3 के लिए इस 297 को इधर बुला लो, बुला लिया जी, उसके बाद इस 210 को डबल कर दो, कर दिया 210 को डबल, 210 का डबल कितना होगा, 420, करेक्ट, आसानी से याद हो गया A3 का, करेक्ट। A2 के लिए क्या करना है, A2 के लिए इधर वाला, हमेशा एक कॉर्नर वाला मूव कर देते हैं इधर, 420 वाला पहले बुला लो, बुला लिया, 297 का डबल कर दो, कर दिया, कितना आ गया, 594। देखो कितना इजिली याद हो गया ना। फिर से देखो, A4 का 210 × 297, A3 का 297 इधर बुला लिया और 210 को डबल करके इधर भेज दिया, कंप्लीट। A2 में क्या किया, 420 को इधर बुला लिया, 297 को डबल कर दिया, कितना आ गया, 594। A1 में क्या करना है, A1 में थोड़ी सी चेंजिंग है, 594 वैसे ही लेते आओ, A2 को डबल करो और एक जोड़ देना उसमें। A2 को डबल करोगे कितना आएगा, 420 को डबल करोगे तो आएगा 840 + 1, कर देना बस। तो क्या हो जाएगा, आपको ये भी रट जाएगा। और इसके बाद आता है A0 या A0 बोलते हैं, तो इसके लिए 841 वही सेम इधर मूव कर दो और इसका डबल करके एक इसमें भी बढ़ा दो। 594 का डबल कितना आएगा, 1188, उसमें एक जोड़ दिया 1189, बस याद हो गया, कितना इजी है। 210 × 297, 297 इधर आया, 210 का डबल कर दिया, फिर 290, फिर 420 इधर आया, 297 का डबल कर दिया, 594 इधर आया, 420 का डबल करके एक जोड़ दिया, फिर हाँ सर, 841 इधर इधर हेलो, आ जाया। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते। कुछ कुछ क्लियर हो गया, आई नहीं आई बात कुछ चल कुछ? रही। अच्छा, ओके ओके। तो
तो अब यहाँ पे अभी हम बात लोग कर। ओके ओके कुछ क्वेश्चन था क्या? सॉरी सुना नहीं मनोज जी, मैं है ना फ्लो में था एकदम से। हाँ बोलिए ना, फिर से बोलिए, कुछ क्वेश्चन है क्या? नेक्स्ट क्वेश्चन सर, क्वेश्चन सर। अरे कुछ तो क्वेश्चन हमने बोला बोला है। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है कोई बात नहीं। ओके अब यहाँ पे देखिए, ये जो ए साइज है, यहाँ पे ए फोर साइज है। कभी कभी ऐसा होगा कि आपको एमएम में ना पूछ के इंचेस में पूछ लेंगे, एमएम में ना पूछ के इंचेस में पूछ लेंगे। तो इंचेस में कितना होता है? इंचेस में बड़ा इजी रहता है याद करना, बस एक याद कर लेना बस, 8.5 × 11, 8.5 × 11, बड़ा इजी है। अब 11 को इधर बुलाओ, 8.5 को डबल कर दो, कितना आ गया 17। 17 को इधर बुलाओ, 11 को डबल कर दो, इधर आ गया कितना 22। 22 को इधर करो, 17 का डबल कर दो। 34 को इधर कर देना, 22 का डबल कर दो। इसको ये कोई पेपर साइज की जरूरत नहीं है, ऐसे गलती से हो गया है, बस यहाँ तक आपको याद कर लेना है, बस खत्म। तो अब आज से आपको पेपर के साइजेस याद हो जाएंगे। नेक्स्ट लाइन आप लोग पढ़ते हो अभी, कुछ कुछ लाइनें आप लोग देखते भी हो, लेकिन लाइन की टोटल कितने टाइप्स होते हैं ये आपको नहीं पता रहते हैं। तो देखो मेन मेन जो लाइंस होते हैं वो लाइन इतने टाइप्स के होते हैं। कौन कौन से? यहाँ पे पहला जो लाइन का टाइप है आपका, वो लाइन टाइप है ऑब्जेक्ट लाइन, दूसरा है हिडन लाइन, तीसरा है कटिंग प्लेन लाइंस, चौथा है सेंटर लाइन, एक्सटेंशन लाइन, डायमेंशन लाइन, लीडर्स लाइन, फैंटम लाइन। देखो कितने टाइप्स के लाइन है, चलो देखते हैं एक एक करके कैसे होते हैं ये। ऑब्जेक्ट लाइन बोलते हैं, ये सब आपको तब फायदा होता है जब आपको ड्राइंग पढ़ाई जाती है, इंटरव्यू में बोल दिया जाएगा ड्राइंग पढ़ के दिखाओ, तो आप पता है क्या बोलने वाले हो, आप बस आपको ऐसा डायग्राम दिखा देंगे, तो मैं देखता हूँ लोग क्या बोलते हैं इंटरव्यू में। वो सीधे सीधे बोलेंगे ये एक पर्सपेक्टिव व्यू है, या बहुत एडवांस रहेंगे तो बोल देंगे 3D व्यू है एक बॉक्स का, ये बोल के चले आते हैं और हम उनको रिजेक्ट कर देते हैं। रीजन पता है? रीजन ये है कि वो एक्सप्लेन नहीं करते कि दिस इज योर ऑब्जेक्ट लाइन, ये जो हैवी डार्क लाइन होती है इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट लाइन, और हम लोग जानबूझ के उसके अंदर ऐसी कटिंग्स भी डाल देते हैं, कट 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 कट, क्यों? हम चाहते हैं कि वो बोले कि ये देखिए ये हिडन लाइंस है, और ये चीज ध्यान नहीं देते, उसी बॉक्स बोल के आगे बढ़ जाते हैं। ये कट लाइन जो है इनको बोलते हैं हिडन लाइंस, जो विजिबल नहीं है, और ये डार्क लाइन को क्या बोलते हैं हम लोग? ऑब्जेक्ट लाइन। इसके बाद होता है सेंटर लाइन। सेंटर लाइन में एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ऐसे चलता है ये सेंटर लाइन। ये भी हम लोग खींच के रखते हैं, ऐसे जगह पे खींच के रखेंगे कि आपको दिखेगा भी नहीं और हम खींच भी देंगे, तो कंफ्यूज हो जाता है इंटरव्यू, तो इंटरव्यू हमेशा कंफ्यूज करता है, तो आप कंफ्यूज हो जाते हो। सेंटर लाइन का मतलब समझ जाना, एक बड़ा एक छोटा, एक बड़ा एक छोटा, ओके। और हम लोग यहाँ पे डायमेंशन लाइन भी खींचते हैं, इसको बोलते हैं डायमेंशन लाइन, हमने उस दिन पढ़ाया था आपको ऑटो कैड में, डायमेंशन लाइन बोलते हैं। और ये जो ये होता है इसको बोलते हैं एक्सटेंशन लाइन, क्या बोलते हैं इसको? एक्सटेंशन लाइन। ये सब लिखा भी है यहाँ पे, अब इसको आप पढ़ लेना। डायमेंशन लाइन आर यूज टू शो द एक्सटेंट ऑफ द डायमेंशंस, और एक्सटेंशन लाइन आर यूज टू शो द एक्सटेंट पॉइंट, मतलब कहाँ से कहाँ तक है आपका लाइन, इसके लिए इसको शो करते हैं। सेंटर लाइन को क्या बोला गया है? सेंटर लाइन इज यूज टू लोकेट द सेंटर ऑफ द फीचर्स, एग्जैक्टली कहाँ पे सेंटर है। इट इज यूजली फाइन ब्रोकन लाइन मेड अल्टरनेटिव शॉर्ट एंड लॉन्ग डैशेस, मतलब एक शॉर्ट एक लॉन्ग, एक शॉर्ट एक लॉन्ग सेंटर लाइन होता है। अब ये है फैंटम लाइन। फैंटम लाइन क्या होता है? फैंटम लाइन बोलते हैं एडजस्टमेंट लाइन को। किसको बोलते हैं? एडजस्टमेंट लाइन को। आप लोगों ने साइड पर देखा होगा, मतलब वो सबने देखा होगा, जैसे कभी कभी होता है कि एक ब्रिक लगाया, दूसरा ब्रिक लगाया, उसके बाद एक बीच में थोड़ी सी जगह बच जाती है, मान लीजिए वो जगह बची 4 इंचेस की, कितने की बची? 4 इंच की जगह बचती है, और आपके पास एक 4 इंच का ही ब्रिक है, क्या है? ब्रिक भी क्या है? 4 इंचेस का है, 4 इंच का जगह, 4 इंच का ब्रिक लग सकता है क्या? नहीं लगेगा, वो रुक जाएगा, ठीक है, वो रुक जाएगा। तो मिस्त्री क्या करता है, थोड़ा थोड़ा ब्रिक को कॉर्नर कॉर्नर से सिर्फ डैश डैश करके कट कर देता है, 4 इंच थोड़ा सा कम कर देता है। तो कम जब करता है तो उसको बोलते हैं एडजस्ट करना, तो जो एडजस्ट करता है उस एडजस्ट लाइन को बोलते हैं फैंटम लाइन। क्या बोलते हैं उसको? फैंटम लाइन। कि कितना उसको कट कर करके वो एडजस्ट करके वो नीचे लगा देगा, 1/2 इंची काट देगा, उसमें मसाला भर के आराम से उसको बैठा सकता है। तो 1/2 इंची जो काटा डैश 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 करके वो हमारी है फैंटम लाइन। क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पे होता है आपके पास लीडर लाइंस, कल भी हम लोगों ने बनाया था लीडर लाइंस। तो ये लीडर लाइन मतलब जब हम लोग की स्टेयर्स चढ़ रही थी तो आपने देखा था, मैंने एक 3 एरो किए थे और ऐसे लिख के मैंने अप लिखा था। ये लीडर लाइन बताता है कि आप क्या है आपका एग्जैक्टली किधर जाना चाहते हो। ए लीडर लाइन इज द फाइन लाइन यूज टू डिफाइन अ पॉइंट ऑफ एरिया, इट मे हैव नोट डायमेंशन वैल्यू और नंबर एट एंड ऑफ द इट।
ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, कटिंग प्लेन लाइन। क्या है कटिंग प्लेन लाइन? ये किस यूज में आता है कटिंग प्लेन लाइन? कटिंग प्लेन लाइन, कटिंग प्लेन लाइंस आर यूज्ड टू इंडिकेट वेयर एन इमेजिनरी कट इज मेड थ्रू द ऑब्जेक्ट। आप लोग देखते होंगे सेक्शन जब कट करते हो क्या करते हो, ऐसे एडजस्ट करके ऐसे सेक्शन कट कर देते हो ना, तो उसे क्या होता है, रियल में थोड़ी घर को कट करते हो, एक इमेजिनरी लाइन डाल देते हो कि एग्जैक्टली यहाँ से कैसा आपका घर दिखेगा, तो उसको क्या बोलते हैं इमेजिनरी लाइन को, कटिंग प्लेन लाइन या सेक्शन लाइन बोलते हैं हम लोग उसको, ठीक है। और वही चीज को अगर ऑब्जेक्ट में कट कर रहे हो तो देखा होगा ऐसे दो ब्रेक लाइन, ऐसे कट 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 ऐसे दो ब्रेक लाइन डाल देते हैं, तो ये ब्रेक लाइन क्या करता है, किसी एक ऑब्जेक्ट को कट करके दिखाता है कि ये ऑब्जेक्ट के अंदर कैसा, जैसे मान लो माउस में अभी चला रहा हूँ, माउस के अंदर कहाँ पे वायर गया हुआ है, कहाँ पे इसके एलिमेंट्स लगे होंगे, तो उसके लिए क्या करूंगा, ब्रेक लाइन लगाऊंगा। बट अगर कोई घर वगैरह है तो उसके लिए मैं कटिंग लाइन या सेक्शन लाइन ड्रॉ करूंगा, तो उससे हमको पता चल जाएगा कि एग्जैक्टली हम लोग को क्या क्या दिखने वाला है। नेक्स्ट होता है और बहुत इंपॉर्टेंट होता हैच। हम सब ने पढ़ लिया है ऑटोकैड में, और ये हैच आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग के जो कटिंग यहाँ पे सेक्शन लाइन से हमारी ये हैच अलग, जैसे मान लो कोई ब्रिक है, अब ब्रिक को डायगोनल कट कर देते हैं। अब इसके देखो अलग अलग टाइप्स होते हैं, ठीक है। तो इसमें से जनरली हम लोग कैसे, ब्रिक अगर ऐसी है तो हम लोग क्या करते हैं इसके ब्रिक, अब अलग अलग एलिमेंट के लिए अलग अलग इसके क्या है, क्रॉस सेक्शंस रहते हैं। अब जैसे कि हम लोग अगर इसको देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास और हैच और थेयर कहाँ गए, तो ये देखो यहाँ पे लिखा भी है सेक्शन लाइंस आर यूज्ड वेयर अ सरफेस इज इलस्ट्रेटेड एज कट। जहां पे सरफेस को कट करके जैसा दिखा उसके लिए क्या करते हैं हम लोग, सेक्शन लाइन को ड्रॉ करते हैं, जिसमें हम लोग के पास ऐसे ऐसे दिखता है। इट नॉर्मली यूज टू सेक्शन व्यू, प्रॉपर सेक्शन व्यू देखने के लिए हम लोग कट करते हैं, ठीक है। अब ये अगर आउटर से देख रहे हैं तो हम लोग क्या करते हैं, ये वाली सेक्शन लाइन की यूज करते हैं, और जब हम लोग इनर से देख रहे हैं तो उसको हम लोग इनर मतलब ब्रिक के अंदर देख रहे हैं तो हम लोग ये ऐसे देख लेते हैं, अलग अलग लाइंस रहते हैं उसके लिए। अब यहाँ पे है डायमेंशन सिस्टम्स, जो आप लोगों ने देख रखा है, इसको बताने की हमें जरूरत नहीं है। डायमेंशन सिस्टम में क्या होता है, डायमेंशन सिस्टम में हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि फ्रैक्शनल इंचेस, हम लोगों ने देखा अभी फ्रैक्शनल इंच मतलब 2 बाई 3 इंचेस, ये देखो यहाँ लिखा है 3 बाई 16 इंचेस, समथिंग लाइक दिस, 1 बाई 2, ये क्या है, फ्रैक्शन है, ठीक है। और इसके बाद डेसिमल में हम लोग यूनिट लेते हैं, और मैट्रिक में भी लेते हैं हम लोग, जिस यूनिट में जहां पर काम है उसके अकॉर्डिंग उसको लेते हैं हम लोग। ये देखो एक मैकेनिकल का मैंने कंपोनेंट उठाया था, क्यों, क्योंकि यहाँ पे ना डाया का सिंबल दिया हुआ है, तो इजिली आप अंडरस्टैंड कर सकते हो डायामीटर सिंबल्स। और ये आपके पास टिपिकल है, टिपिकल मतलब होता है जितने हैं सबके लिए वही सेम है, और ये रेडियस का सिंबल होता है, आप इसको समझ जाओ, इसके लिए हम लोगों ने यूज कर लिया था इस डायग्राम को। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और बिलीव करो हर इंटरव्यू में ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है ऑटोकैड से, अगर कुछ भी ड्रॉ करवा रहे हैं। मैंने एक लिया हुआ है, इसको बोलते हैं मिसिंग व्यू, क्या बोलते हैं इसको, मिसिंग व्यू, और इस ड्राइंग को बोलते हैं ऑर्थोग्राफिक ड्राइंग। मिसिंग व्यू में कैसे बेवकूफ बनाते हैं हम लोगों को इंटरव्यू में, हमें कोई एक व्यू मिस कर देंगे और बोलेंगे इस व्यू को बना के हमें दिखाओ, मतलब कभी लेफ्ट व्यू कर देंगे, कभी राइट को साइड कर देंगे, कभी रियर को कर देंगे, कभी फ्रंट को कर देंगे, कभी बॉटम कभी टॉप। अब अभी जो एक इंटरव्यू था, एक कंपनी थी सेनबीओ औरंगाबाद में है, ठीक है, मतलब लॉकडाउन से पहले की बात बता रहा हूँ। तो वहां पे एक इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा गया था कि एक टेबल है और एक टेबल के ऊपर एक क्या रखा गया है, बुक रखा गया हुआ है, और उन्होंने क्या कर रखा था, उसका आइसोमेट्रिक व्यू मतलब ये प्रोजेक्शन व्यू दे रखा था, और उनको चाहिए था लेफ्ट राइट टॉप बॉटम साइड चाहिए था। तो देखो कितना इजी था, अगर ये हम समझ जाए तो, देखो ये स्टेयर केस है, इसका लेफ्ट कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, टॉप कैसे दिखेगा, ऐसा दिखेगा, फ्रंट ऐसा, बॉटम ऐसा, राइट साइड ऐसा, रियर साइड ऐसा, ऐसे आप ढेर सारे इमेजेस उठा सकते हो नेट से। मिसिंग व्यू डालना, मिसिंग व्यू से बहुत ढेर सारे ड्राइंग्स आ जाएंगी, आप उनका एक व्यू देखना, दूसरे व्यू को अपने से ड्रॉ करने की कोशिश करना, उससे आपका ये चीज क्लियर हो जाएगा। ये देखो सिविल एंड आर्टिस्ट ड्राइंग्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही मजेदार है। इंपॉर्टेंट क्यों है बताता हूँ, इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि टोपोग्राफिकल मैप सिंबल्स जो होते हैं ये एक्चुअली, जैसे मान लीजिए ये किसका है, ये हाईवे का है, किसका है, पहला वाला सिंबल हाईवे का, दूसरा किसका सिंबल है, दूसरा सिंबल है रेल रोड का, किसका है, रेल रोड का है, तीसरा किसका है, टेलीफोन लाइन का, चौथा किसका है, चौथा आपको यहाँ पे दिख रहा है पावर लाइन का। इससे फायदा क्या होता है, मान लीजिए आप सिविल इंजीनियर है, क्या है, आप हैं सिविल इंजीनियर, ठीक है, और सिविल इंजीनियर के लिए ये प्रॉब्लम हो जाती है कि मान लीजिए आप साइट पे काम करवा रहे हो
और आपको पता नहीं चला कि कहाँ पे टेलीफोन की लाइन गई हुई है और आपने खुदाई करवा दी, आपको पता है उसका रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? उसकी पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी साइट इंजीनियर की होती है जो वहाँ पे काम करवा रहा है, क्योंकि ड्राइंग में दिखा रहता है और हम पढ़ने हमें पढ़ना आता नहीं, हमें समझ में नहीं आता कौन सा टेलीफोन लाइन है। अगर आप मान लीजिए एयरटेल का लाइन लगवा रहे हो और वोडाफोन की लाइन कट गई, वोडाफोन को आपको पूरा चार्ज, मतलब आपकी कंपनी को पूरा चार्ज करना पड़ेगा। कंपनी अच्छी है तो आपसे पैसा नहीं लेगी, और कंपनी अगर इधर उधर की है तो बोलेगी पूरा पैसा आपके सैलरी से कटेगा, और आपकी सैलरी आपको पता है साइट पे क्या रहती है। तो इसलिए ये बहुत ही खतरनाक है। और गलती से अगर पावर लाइन के बारे में आपको आइडिया नहीं है और एक भी लेबर आपका इधर उधर होके राम नाम सत्य पे टिकट कटवाता है तो उसके लिए आपके ऊपर केस हो सकता है। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि हमको पावर लाइन का सिंबल देखा, लेबर को बोलना है पूरी सेफ्टी रखो, अगर आप वहां पर साइड पे खड़े होकर काम करवा रहे हो तो पूरी सेफ्टी के लिए आपको बोलना है, क्योंकि उसको नहीं पता है, वो तो काटना स्टार्ट करेगा जैसे नॉर्मल काटता है, बट लग गया तो आपको दिक्कत हो जाएगी। रेल रोड और हाईवे का सबसे ज्यादा जरूरत कहाँ पे होता है? अब यहाँ पे देखो, मैंने एक पिक्चर में समझाया हुआ है कि मान लीजिए आपको एक कैनाल लेके जाना है, एक कैनाल आपको लेके जाना है सिंचाई के लिए किसानों के लिए, ठीक है? और आपने कैनाल की डिजाइन की और कैनाल की डिजाइन करके आपने एस्टिमेट बनाया कि 3 करोड़ रुपए लगेंगे टोटल कैनाल को कंप्लीट पहुंचाने में, जहां तक लोकेशन है। आपने क्या किया, आपको पता होना चाहिए जनरली 3-3 साल तक सर्वे होता है तब जाके कैनाल वगैरह की डिजाइन होती है। अभी तो 3-4 साल में होने लगा है। हमारे एक सर थे तो वो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर थे, तो उन्होंने बोला मैंने पूरी अपनी जिंदगी में सिर्फ और सिर्फ एक कैनाल ही कंप्लीट करवाई है, इतना सर्वे होता है, क्योंकि पूरी ड्यूटी भी खत्म हो गई उस कैनाल को कंप्लीट करने में, बड़ी थी बट उसी में उनका पूरा इरिगेशन डिपार्टमेंट उनका लगभग 40 साल का वो चला गया, पूरा का पूरा जॉब, पूरे उत्तर प्रदेश का लेआउट था उसमें। तो मतलब समझो कि कितना टाइम लगता है। तो अब होता क्या है कि आपने अगर कैनाल डिजाइन किया, अब कैनाल को मुझे इधर से लेके जाना है और हमने 3 करोड़ का एस्टिमेट ले लिया और हमने बीच में सर्वे करके ये नहीं देखा कि कितने बीच में रेल रोड आ रहे हैं और कितनी हाईवे आ रही है, और आपके कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट मिल गया और गलती से ऑनर भी आप ही हैं। अब होगा क्या कि जब आप उसका लेआउट स्टार्ट करेंगे और गलती से आपने रेल रोड देखा नहीं था, एक भी रेल की लाइन आ गई, बिलीव करिए पहली बात तो आपको नाको चने चबाना पड़ेगा, आपको रेल मंत्री से कॉन्टेक्ट करना पड़ेगा। किसी तरीके से अगर रेल डिपार्टमेंट ने माना भी तो आपको क्या बोलने वाला है, हमको एक नई लाइन बना के दो साइड से, तब तक के लिए जब तक हमारा काम नहीं, तुम्हारा काम हो नहीं जाता है, और जब साइड से काम हो जाए उसके बाद फिर से हमारी ये सेम लाइन हमको बना के दो, जिससे कि हम फिर से वैसे जाने लगे, वो भी आपका बहुत पावर होगा तब जाके ये काम आप करवा पाओगी। ऐसा हुआ है, कई कंट्रीज में हुआ है। एक कंट्री का मैं देख रहा था, पता नाम नहीं याद आ रहा, यूट्यूब पे देख रहा था, तो उसमें ऐसा होता है कि ट्रेन मतलब नीचे से कैनाल जा रही है, तो जब ट्रेन का आने का टाइम होता है उस टाइम पर पटरी लगा देते हैं और फिर उसके बाद उसको हटा देते हैं, वो एकदम वो लाइक ऐसा रहता है फ्लेक्सीबल टाइप का रहता है, उसको उठाते हैं क्रेन से फिर नीचे ले जाते हैं तो फिर ट्रेन क्रॉस होती है, उस पर ज्यादा ट्रेन नहीं आती थी आई थिंक, इसलिए हो गया वो। बट आपके इंडिया में ऐसा पॉसिबल बहुत रेयर केस में होगा। सेम इसी तरीके से हाईवे के साथ होता है, तो हाईवे में आपको ये देखना पड़ता है अगर गलती से एक भी हाईवे आ गया तो आपको उसके नीचे से अंडरलाइन पूरा माइनिंग करवाना पड़ेगा, फिर जाके अंदर से आपको स्पेस होगा, फिर जाएंगे आप और ये चीज में आपको जो भी उसका CPWD ने बनाया है तो उसे परमिशन लेना पड़ेगा। आप समझिए कि आपका 3 करोड़ का प्रोजेक्ट लगभग 30 करोड़ में जा सकता है अगर एक भी रेल रोड और हाईवे आ गया तो। इसीलिए कैनाल वगैरह को इतना घुमा के लेके जाते हैं कि कोशिश करते हैं 30 किलोमीटर चली जाए ठीक है, लेकिन गलती से हाईवे रेल रोड या फिर कोई भी सस्पेंशन ब्रिज वगैरह कम से कम पड़े, क्योंकि इन्हीं से कॉस्टिंग बढ़ती है कैनाल की, बाकी कैनाल में कोई खर्चा नहीं होता है। तो इसीलिए आपको 3-3 साल तक सर्वे होते हैं कि बेस्ट लोकेशन फाइंड करो और जहां से ज्यादा लोग किसानों तक पानी पहुंच सके, ये सिविल इंजीनियर का काम है, ज्यादा किसान सर्वेयर करते हैं इसको, किसानों तक पानी पहुंच सके और कम एस्टिमेट में काम हो जाए, तो एस्टिमेशन इंजीनियर भी लगता है इसके लिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। एक बार ऐसे हुआ था, एक मतलब कि प्रैक्टिकल एग्जांपल बताता हूँ। एक कॉन्ट्रैक्ट निकला एक कब्रिस्तान का, मेरा एक स्टूडेंट था उसने किया था, तो कॉन्ट्रैक्ट निकला कब्रिस्तान का, कब्रिस्तान था एक पहाड़ पे, तो कब्रिस्तान का एरिया था लगभग 1600 समथिंग स्क्वायर फीट या कुछ और ज्यादा, थोड़ा ज्यादा था मुझे लगता है। तो उसने एस्टिमेट निकाला, मेरे स्टूडेंट ने, उसने स्टूडेंट एस्टिमेट निकाला लगभग 8 लाख रुपए का एस्टिमेट निकाला उसने, पूरा बाउंड्री करवानी थी उसका और बाकी सब जो मतलब पहले से वो जानते थे कब्रिस्तान के बारे में उन सब ने, किसी ने 14 लाख, किसी ने 16 लाख, किसी ने 18 लाख ऐसा एस्टिमेट करके डाला था।
अब इसका कॉस्टिंग सबसे कम था, और आपको पता है टेंडर पास होने में सबसे बड़ा रोल कॉस्टिंग का रहता है। देखे सब लोग 8 लाख रुपए तुरंत इसको पास कर दिए, और इसने गलती से भी साइट नहीं देखी थी, सिर्फ एरिया पूछा था एरिया कितना है, और साइट था एकदम पहाड़ पे, पहाड़ के ऊपर जाके। तो जब इसने काम मिल गया, इसको काम करना स्टार्ट किया, अपने लाइसेंस पे इसने काम लिया। अब हुआ क्या कि उसने जब ब्रिक मंगाया तो उसने सर्वे नहीं किया था साइट का। अब ब्रिक मंगाया तो ब्रिक जब नीचे रख दिया ट्रैक्टर वाला, उसके बाद ऊपर ले जाने में जो कॉस्टिंग आ रही थी लेबर की, जितने की ब्रिक पड़ रही थी उतनी कॉस्टिंग लग जा रही थी सिर्फ ले जाके लेबर ऊपर पहुंचा रहे थे। मतलब उसका पूरा का पूरा जो प्रोजेक्ट था वो टोटल गया है 14 लाख रुपए में, सिर्फ प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ है। अब वो बीच में अगर प्रोजेक्ट कैंसिल कर देता तो उसका जो लगा था वो भी चला जाता, साथ ही साथ उसका, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से ओपन टेंडर था तो उसका लाइसेंस भी कैंसिल हो सकता था, रद्द हो जाता है लाइसेंस। वो न घर का रह गया न घाट का रह गया, घर से पैसे लगा के उसने कॉन्ट्रैक्ट किया है। और एक और चीज यहीं से याद आई मुझे, अभी मुझे कुछ लोगों ने व्हाट्सएप किया था कि मुझे सर केवल आप में से ही कोई था, मुझे क्या बोलते हैं, एक कॉन्ट्रेक्टर ने बोला है कि आप अपनी डिग्री दे दो, आपको हम 10,000 रुपये महीने का दे देंगे। गलती से भी किसी को अपनी डिग्री दे के उनको 10,000 या 5,000 के झांसे में मत आना, ऐसे बहुत से लोग कर रहे हैं। अभी अभी एक लड़के के साथ ऐसा फिर से हुआ, लॉकडाउन से जस्ट पहले की बात है। उसका लाइसेंस रोड के लिए लिया हुआ था कॉन्ट्रेक्टर ने, कॉन्ट्रेक्टर ने देखा कि घाटा पड़ रहा है, उसने कैंसिल कर दिया, उसने बोला मैं करूंगा ही नहीं, उसको घाटा पड़ रहा था उसमें, क्योंकि बहुत पैसे खिलाने पड़ रहे थे। अब हुआ क्या कि अगर वो कंप्लीट नहीं करता तो उसका लाइसेंस कैंसिल हो जाता। उस लड़के को जरा भी आइडिया नहीं था कि इस काम को कैसे करवाते हैं। वो जाके उससे रिक्वेस्ट किया, जो कॉन्ट्रेक्टर था उससे रिक्वेस्ट करके फिर अपने से रोड बनवाया, उसको बिल्कुल एक्सपीरियंस नहीं था कैसे बनवाना है, काम को किसी तरीके से कंप्लीट करवाया, घाटा वोटा लेके अपनी डिग्री को बचाया उसने। सो प्लीज किसी भी कॉन्ट्रेक्टर को आप लोग डिग्री मत देना, नहीं तो बाद में मत बोलना कि सर ऐसा कुछ पता ही नहीं था और ये हो गया। गलती से मत देना किसी को भी, बता रहा हूं। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल है इसके, ये देखो अर्थ सरफेस को दिखाने के लिए इस तरीके से एग्जाम्पल यूज करते हैं, और पेविंग के लिए आप में से किसी के साथ हो भी चुका होगा ऐसा। पेविंग में देखना, पेविंग ये रहती है आपकी, और ये आपका क्या रहता है, ग्रेवल्स के सिंबल, एक कुछ नहीं सिंबल्स है केवल, एक कंक्रीट के सिंबल्स है, और ये अर्थ सर्फेस की फिनिशिंग दिखाने के लिए है। यहाँ पर आपके पास कंक्रीट के ब्लॉक्स होते हैं, और ये कॉस्टिंग्स होते हैं, स्मॉल स्केल्स होते हैं इसके लिए, और ये लार्ज स्केल में वही ब्रिक को दिखा रहा है। कॉमन ब्रिक की कटिंग ऐसे होती है, फेस ब्रिक ऐसी होती है, फायर ब्रिक की ऐसी होती है। अब देखो अलग अलग ब्रिक की अलग अलग एचिंग्स रहती हैं, तो उसके अकॉर्डिंग, अब जैसे कि आप एरेटेड कंक्रीट लोगे तो उसका अलग रहेगा, नॉर्मल ब्रिक लोगे तो उसका अलग रहेगा। ये डायमेंशन के सिंबल्स हैं, तो आप इस तरीके से, मैं तो आपको बता चुका हूँ कि सिंबल्स कैसे लगाना है, डायमेंशन कैसे लगाना है। और ये आपकी ओपनिंग्स है। अब ये देखो ये क्या होता है, ये लाइन आपको लगा देनी चाहिए, उस दिन मैंने नहीं लगाया था, लगाना चाहिए था, मुझे भूल गया। ये होता है, ये बताता है कि आगे भी आपके स्टेयर्स कंटिन्यू है, बट अभी हम लोग को यहाँ तक विजिबल है, यहाँ से हमें यहाँ तक विजिबल है हमारा क्या, स्टेयरकेस। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग इसको यूज करते हैं। अब ये क्या है आपका, ये आप इस तरीके से पूरा कंप्लीट, आपको ये कैनाल का एक कट है, सेक्शन है जो आपको दिखता है, एग्जैक्टली उसके अंदर इस तरीके से काम हुआ है, ये सब भी यहाँ पे दिखता है। और ये आपका टिपिकल फ्लोर है जिसमें अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, प्लानिंग, बेडरूम, बेडरूम इसके साथ यहाँ पे देखो, यहाँ पे बाथ के लिए यूज कर लिया, बाथरूम ड्रेसिंग्स के लिए, वॉक इन के लिए, और ये बेडरूम्स के लिए, ये डायमेंशन है सारे के सारे अलग अलग, इसको हम लोग यूज कर सकते हैं। और इसके साथ ही साथ यहाँ पे आपके पास ये 3 BHK का प्लान है जिसमें सिंक, रेंज, एक बार आप देख लेना, मैंने आपको भेजा हुआ है, तो जस्ट एक आइडिया लग जाएगा कि शायद यहाँ पे ड्रेन लगाते हैं, ओवरहेड का ध्यान रखते हैं, डाइनिंग रूम कहाँ पर रख रहे हैं उसका ध्यान रखते हैं, कौन सी जगह, आप किचन के जस्ट सामने रखोगे डाइनिंग रूम तो अच्छा रहेगा, फटाफट यहाँ से खाना आया और आपने खत्म किया। और उसके बाद लिविंग रूम कहाँ पर रखना चाहिए, ये सारी लोकेशन थोड़े से आप इसको सर्वे कर लेना। ओके, वेलकम वेलकम सक्षम। हाँ यार, अपनी तो कोशिश पूरी कर रहा हूँ। अभी एक वीडियो आ रहा है स्टेट प्रो का भी, हाँ आप लोग को बता दूँ, एक स्टेट प्रो का वीडियो आ रहा है, आप लोग देख लेना, तो आपके लिए काफी उसमें आपके लिए गुड न्यूज है, इसलिए आप लोग उसको जरूर देख लेना। लॉगिन लगा दिया है, मोबाइल से अपलोड हो रहा है, आपके क्लास खत्म होते होते वो चीज आप तक पहुंच जाएगी। अब हम लोग चल रहे हैं थोड़ा सा और डिटेल में। इंजीनियरिंग ड्राइंग के बारे में पढ़ने जा रहे हैं हम लोग, थोड़ा सा जो पुराना कंटेंट था वही है, थोड़ा सा न्यू है, तो आपको ध्यान से देखना है, समझना है इसको।
इसमें क्या है, इसमें हम लोगों ने दिखाया है इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग्स, पर्पज ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स, क्योंकि लोगों को पता नहीं रहता है टेक्निकल ड्राइंग्स में और नॉर्मल ड्राइंग्स में फर्क क्या रहता है, बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ड्राइंग शीट्स, वही पेपर साइजेस वगैरह, और उसके बाद कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन, टाइप्स ऑफ लाइन एंड देयर एप्लीकेशंस, और ऑटोकैड के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है कि एग्जैक्टली ऑटोकैड क्या है, फिर आपको पता है कि ऑटोकैड क्या है। चलिए देखते हैं, पहले इंपॉर्टेंस ऑफ ड्राइंग्स, ड्राइंग को की क्या रोल क्या है इसको हमको समझना पड़ेगा, क्योंकि जब रोल ही नहीं पता तो हम क्या बनाएंगे उसके बारे में। तो स्केचिंग, पहला क्या है स्केचिंग, इट जनरली मीन्स फ्री हैंड ड्राइंग्स। ड्राइंग से ना इमेजिनरी चीजें, आपकी आपके माइंड की चीजें इमेजिन हो जाती हैं। कभी कभी कोई कोई लोग क्या होते हैं अपने टारगेट को, अपने एम्स को भी क्या करते हैं, स्केच करके रखते हैं, तो स्केच करके रखते हैं तो थोड़ा सा उनके लिए इजी रहता है। ओके, दो क्वेश्चन आए हुए ले लेते हैं। सर, जब रूम के साइज दिया होता है तब हम वॉल्स का डिस्टेंस को भी कंसीडर करते हैं कि नहीं? सर थोड़ा पीडीएफ से समझा देना। ओके सर, एक क्वेश्चंस की सॉरी क्या है, एक क्वेश्चन की डायमेंशन को ओके, देखो होता है क्या है, सीधी सीधी बात होती है सब, इसमें कुछ भी वो ज्यादा बड़ा साइंस नहीं है। ड्राइंग हमेशा जो होता है, हमेशा आपको आउटर टू आउटर ले सकते हैं या फिर इनर टू इनर, दो रूल्स चलते हैं। और अगर आप आउटर टू आउटर ले रहे हैं तो आपको नीचे जो अभी मैं बताया था ना, बगल में मैं नोट लिखना बताऊंगा, तो वहां पे एक शब्द में लिखा जाता है ऑल डायमेंशंस आर आउटर टू आउटर, और अगर आप इनर ले रहे हैं तो ऑल डायमेंशंस आर इनर टू इनर, ऐसा आप प्रेजेंट कर सकते हैं, तो वो सामने वाले को आइडिया लग जाता है एग्जैक्टली आप आउटर रख रहे हैं या इनर रख रहे हैं। ओके तो स्केचिंग पहला आपका इंपॉर्टेंस होता है। स्केचिंग में क्या करते हो, इट जनरली मीन्स फ्री हैंड ड्राइंग्स, फ्री हैंड ड्राइंग्स से आपने सोच लिया कि एग्जैक्टली क्या बनाने वाले हो। फिर आपका दूसरा स्टेप आता है ड्राइंग में, इट यूजली मीन्स ड्राइंग इंस्ट्रूमेंट फ्रॉम कंपास टू कंप्यूटर्स टू ब्रिंग प्रेसिजन ऑफ ड्राइंग्स, मतलब जो भी रीडिंग्स वगैरह है सब रीडिंग्स वगैरह लेके प्रॉपर हम ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। ड्राइंग इज वन ऑफ द बेस्ट वे टू कम्युनिकेट वंस वन आइडियाज थ्रू सम फॉर्म ऑफ द पिक्चर्स और ड्राइंग्स। देखो होता क्या है, आज मुझसे सुबह सुबह किसी ने कोई क्वेश्चन पूछा था, तो वो ना ड्रॉप पैनल, आप सबने सुना होगा फ्लैट स्लैब के अंदर ड्रॉप पैनल होता है, तो उसने बोला कि मुझे क्या बोलते हैं कॉलम के ऊपर बीम कैसे डालते हैं। अब मैं कहा कॉलम के ऊपर बीम तो ऐसे नॉर्मल तरीका होता है, मैंने वो बता दिया उससे। बोलता नहीं, दूसरी टाइप की बीम। तो आई सेड कि यार दूसरे टाइप की बीम मुझे क्या पता है, तुम कौन से टाइप की बता रहे हो, मुझे पिक्चर दिखाओ। उसने जो पिक्चर मुझे दिखाई तो वो थी फ्लैट स्लैब के नीचे जो ड्रॉप पैनल लगती है, जो कॉलम होता है, जिसने काम किया होगा फ्लैट स्लैब में उसको पता होगा कॉलम है वहां पे ड्रॉप पैनल लगता है, तो ड्रॉप पैनल के बारे में वो पूछ रहा था। तो मैंने जैसे पिक्चर देखा मुझे समझ आ गया ड्रॉप पैनल की बात कर रहा है, तो मैंने उसको बताया। तो क्या था, वो कम्युनिकेशन करने का सबसे इजी तरीका था ना, उसने पिक्चर दिखाया हमने बता दिया वो क्या चीज है वो, तो उसके लिए आपको ड्रॉइंग हेल्प करता है। ड्रॉइंग अलाउज इफिशियंट कम्युनिकेशन एमोंग इंजीनियर्स एंड कैन बी केप टू रिकॉर्ड एज अ प्लानिंग प्रोसेस। तो ये इजी हो जाता है कि भाई हमने इस तरीके से इतना स्टेप कंप्लीट किया, चलो आगे ये करना है, इसके आगे ये करना है, इसके आगे ये करना है। पर्पज ऑफ टेक्निकल ड्राइंग्स, क्योंकि ड्राइंग तो हर चीज की होती है, आपको फ्लावर बनाना है, रोज बनाना है, उसके लिए भी आप क्या करते हो ड्राइंग बना सकते हो। पर टेक्निकल ड्राइंग में क्या रहता है, टू क्लैरिफाई एन आइडिया टू एंड टू ट्रांसलेट दैट आइडिया इन टू सिंप्लीफाइड लैंग्वेज। आप कोई भी चीज को कभी कभी हम लोग बताते रहते हैं आप समझ नहीं पाते हो, लेकिन जैसे ही दिखाते हैं आप समझ जाते हो, क्यों, क्योंकि ड्राइंग बोल देती है अपनी चीजों को जो उसको बताना होता है, इसलिए ये पहला चीज होता है। इट जनरली फॉलो अ वेरी स्पेसिफिक रूल्स एंड गाइडलाइंस इन ऑर्डर टू मेक इट्स इंटेंट क्लियर टू अवॉइड कंफ्यूजन्स, क्योंकि बताते टाइम कुछ ना कुछ कंफ्यूजन हो जाता है, और वो चीज को आप क्लियर समझाने का सबसे अच्छा तरीका है कि आपने ड्राइंग बना दिया, सामने वाला पढ़ लिया और उसको आइडिया लग गया। ओके अब नेक्स्ट है आपका, इट्स मेन पर्पस इज टू मेक ड्राइंग इजियर टू अंडरस्टैंड एंड इट इज ऑल्सो यूज बाई इंटीरियर डिजाइनर, कंस्ट्रक्शन वर्कर, प्रोडक्ट डिजाइनर एंड इलेक्ट्रिशियन, सब यूज करते हैं। मतलब चाहे प्रोडक्ट मतलब कोई सामान बनाने वाला है, कोई भी टेबल मेज के डिजाइन कर रहा है, इलेक्ट्रिकल वाला आपके वायरिंग वगैरह किधर से ले जाना है, कॉन्ट्रेक्टर अपना देख रहा है कि कहाँ कहाँ पे ले आओ, कैसे कैसे डलवाना है, उसके बाद डिजाइनर अपने हिसाब से देख रहा है इंटीरियर वाला। टेक्निकल ड्राइंग कॉम्प्रेस ऑफ 2D और 3D प्लान्स, सेक्शन, एलिवेशन, दे मे बी ड्रॉन टू स्केल बाई हैंड और प्रिपेयर्ड यूजिंग कंप्यूटर एडेड डिजाइन सॉफ्टवेयर। कंप्यूटर एडेड डिजाइन का मतलब होता है ये नहीं कि और ऑटो कैड,
प्लानिंग आप कंप्यूटर एडेड डिजाइन मतलब किसी भी कंप्यूटर से ऐड वाले सॉफ्टवेयर में यूज कर सकते हो। आप चाहो तो आप पेंट के ऊपर भी प्लानिंग कर सकते हो, अगर आपकी पेंटिंग अच्छी है, पेंट आप अच्छे से समझते हो तो। आप चाहो तो रेबिट के ऊपर भी प्लानिंग कर सकते हो, आप चाहो तो स्केचअप के ऊपर प्लानिंग कर सकते हो, इट्स ऑल डिपेंड ऑन यू। तो आप चाहे जिस सॉफ्टवेयर को, बट कैट सबसे अच्छा एक्यूरेसी वाला है, इसलिए कैट ज्यादा यूज करते हैं। यहाँ पे पेपर का साइजेस है जो आप बहुत अच्छे से समझ चुके हो, एक बार फिर से थोड़े से देख लो। A4 का क्या है, 210x297, बस इसको डबल करो, इधर भेजो, इसको डायरेक्ट भेज दो। ये देखो यहाँ गलत लिख गया है, ये 210x297, यहाँ पे 297 होगा, गलती से टाइप हो गया 294, तो ये अब क्या होगा 297। उसके बाद 420, अब 420 को इधर भेजा, 297 का डबल 594, 594 इधर, 420 का डबल और प्लस वन, इसका इधर भेजा, इसको डबल करके वन ऐड कर दिया, खत्म। एरिया भी यहाँ पे ऐड है, ये अच्छी चीज है, किसका एरिया है, इसके साथ आपको एरिया मिल जाएगा। टाइटल बॉक्स, टाइटल बॉक्स हम लोगों ने अभी अभी देखा था उस दिन। तो टाइटल बॉक्स क्या होता है, एक बॉर्डर होता है सबसे ऊपर, और उसके अंदर क्या होता है, टाइटल बॉक्स होता है जिसका स्टैंडर्ड साइज रखते हैं 65 ये होना चाहिए एमएम में। वो सीट के टाइम पे होता था, जब आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा होगा तो आपको याद होगा। और क्या लिखा है इन्होंने, इन्होंने लिखा है सर कंप्लीट प्रोजेक्ट में कितने तरह की ड्रॉइंग्स जाती हैं, बताऊंगा बताऊंगा, अभी खत्म नहीं हुआ, थोड़ा सा रुको। और यहाँ पे 170 और ये 165, जिसके अंदर लोग ड्रॉन किसने ड्रॉ किया, मटेरियल वगैरह अगर है तो, मैकेनिकल का है तो टॉलरेंस दिखाते हैं, हमें टाइटल दिखाना होता है, हमें दिखाना पड़ता है कि डिजाइन बाई, ड्रॉन बाई क्लाइंट का नेम, वो सब दिखाना पड़ता है। और उसके बाद ये मैकेनिकल का डायग्राम है एक्चुअली, उसमें प्रोजेक्शन व्यू, बट हमारे प्रोजेक्शन व्यू नहीं होता है, ये सब हमें डिटेल लिखना पड़ता है। तो इसमें क्या क्या रहता है, सीट विच इज कंसिस्ट ऑफ, टाइटल ऑफ ड्रॉइंग्स, ड्रॉइंग क्या है, सीट नंबर्स, कौन सा नंबर का सीट है, क्योंकि एक में आपका एलिवेशन का दिया हुआ है, एक में आपने सेक्शन दिया हुआ है, एक में आपने प्लान दिया हुआ है, तो सीट नंबर। स्केल, क्या स्केल यूज किया है, 1:1 पे, रेशियो पे, 1:50, 1:100 पे। सिंबल्स डिनोटिंग द प्रोजेक्शंस, अगर मैकेनिकल का है तो प्रोजेक्शन मतलब टॉप से दिखा रहे हो या फ्रंट से दिखा रहे हो, क्योंकि उसमें व्यू चलता है इसमें। नेम ऑफ द फॉर्म्स, कौन सी कंपनी ने बनाया, इनिशियल टू स्टॉप ट्रॉन, चेक अप्रूव, किसने चेक किया, किसने अप्रूव किया, वो सब कुछ। रिवीजन है तो रिवीजन। उसके बाद यहाँ पे देखो, ये आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट हो सकता है, स्केल, द प्रोपोर्शंस बाय विच द ड्रॉइंग्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज इनलार्ज और रिड्यूस इज कॉल्ड स्केल ऑफ ड्रॉइंग्स। जो हम लोग पढ़ते हैं, छोटा दिख रहा है बड़ा कर दिया, बड़ा दिख रहा है छोटा कर दिया। स्केल इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ लीनियर डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एज रिप्रेजेंटेड इन द ड्रॉइंग टू द एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द सेम। इट इज ऑल्सो टर्म्ड एज स्केल फैक्टर और रिप्रेजेंटेटिव फैक्टर, RF। ओके, डायमेंशन ऑफ ड्रॉइंग बाय डायमेंशन ऑफ ऑब्जेक्ट, ये इसका फॉर्मूला रहता है। मतलब एक आइडिया लगा सकते हो कि जितना वाला ड्रॉइंग है और ऑब्जेक्ट क्या है, उसका रेशियो आपका मेंटेन होना चाहिए, प्रॉपर विजिबल होना चाहिए। ड्रॉइंग ड्रॉ विद द सेम साइज एज ऑब्जेक्ट आर कॉल्ड फुल साइज ट्राइग्राम। 1:1 पे आपने कंप्लीट किया तो फुल साइज रहेगा, वो कम करेंगे 1:50 कर सकते हैं, हाफ पे हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ये स्केल्स रहती है, देखिए यहाँ पे आप जो स्केल रखना चाहे वो स्केल रख सकते हैं। रिड्यूसिंग बाई स्केल, अगर रिड्यूसिंग कर रहे हैं तो 1:2, 1:20, 1:200 छोटा करने के लिए है, ठीक है, इस तरीके से आप छोटा कर सकते हैं। और यहाँ पे आपके पास फुल स्क्रीन अगर है तो फुल साइज, हम लोग बाई डिफॉल्ट लेके चलते हैं 1:1, वो आपके पास ये फुल साइज रहता है। देखिए आप लिखा है टाइप्स ऑफ स्केल, इंजीनियरिंग स्केल जिसके अंदर रहता है द रिलेशन बिटवीन डायमेंशन ऑन द ड्राइंग्स एंड एक्चुअल डायमेंशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेंशन न्यूमेरिकली, लाइक 10 mm इक्वल टू 15 meters, ऐसा आप दिखा सकते हो, 10 mm इक्वल टू 15 meters, मतलब जितने की है नहीं उतने की हम दिखा दें। इसके लिए हम क्या करते हैं, डबल कर सकते हैं स्केल पे, या कम करना है तो कम भी कर सकते हैं। एक होता है ग्राफिकल स्केल, जिसमें स्केल इज ड्रॉन ऑन द ड्रॉइंग इटसेल्फ, जो कि सिर्फ दिखाने के लिए आप यूज करते हो। और ये होता है इंजीनियरिंग स्केल, जो नापने के लिए आप यूज करते हो। जैसे मैंने बताया था कि 10 किलोमीटर की रोड थोड़ी बनाएंगे हम लोग अभी ऑटोकैड के अंदर, क्या करेंगे, 10 mm की अपने लाइन खींच दी, उसके आगे लिख दिया इक्वल टू 10 किलोमीटर, और वहां पे क्या कर दिया हमने, जिग जैग का सिंबल लगा दिया। चलिए इसके बाद इसका भी बड़ा रोल रहता है, लोगों को पता नहीं है इसके बारे में, इसको बोलते हैं लेटर्स, हम लोग समझेंगे इसके बारे में डीप में। सिंगल स्ट्रोक लेटर्स, इसमें क्या रहता है, ये ब्रिटिश इंडस्ट्री, ये करता है BIS कोड बोलते हैं इसको, ब्रिटिश इंडस्ट्रियल स्केल इसको बोलते हैं, मतलब कोड होता है ये। इसमें ये दिया हुआ रिकमेंडेड स्केल, रिकमेंडेड सिंगल स्ट्रोक लेटर्स फॉर इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स। सिंगल स्ट्रोक मीन्स
दैट थिकनेस एंड विड्थ ऑफ द लेटर्स एंड न्यूमेरिकल्स शुड बी यूनिफॉर्म एंड ऑब्टेंड इज वन स्ट्रोक पेंसिल पेन. मतलब जितना इसका ये है उतना ही ये रहेगा, जितना ये है उतना ये रहेगा, तो इक्वली में जाए उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं आपका सिंगल स्ट्रोक लेटर्स बोलते हैं. इसमें आप वर्टिकल लेटरिंग कर रहे हो, इनक्लाइंड कर रहे हो, या नंबरिंग कर रहे हो 1 2 3 में कर रहे हो, या फिर ऐसे कर रहे हो. अब देखो ये होता है आपका वर्टिकल लेटर्स, जिसमें आप देख रहे हो ए बी सी डी पढ़ रहे हो आप कैपिटल में और स्मॉल में. इंक्लाइन में आपने मैंने दिखाया भी आपको अच्छे से ऑटोकैड में टेढ़ा कर देते हैं. न्यूमेरिकल में आपने ये भी आपको दिखाया 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर्स कर देते हैं. तो आप बहुत डीप में समझ चुके हो उस चीज़ को. एक बार आप फिर भी पढ़ लेना फिर से पीपीटी को, आप अपने लैंग्वेज में समझ जाओगे. फॉर वर्टिकल इंक्लाइन ड्राइंग्स विथ विथ टू हाइट रेशियो इज 5:5:7 फॉर द ऑल कैपिटल लेटर्स, फॉर इज 7 फॉर ऑल द न्यूमेरिकल एक्सपेक्ट 1. मतलब नंबर से तो उसका क्या होता है 1:7 का कर दो, और ये तो 5:7 का अप्रोक्स लेते हैं. ऐसा कुछ नहीं रहता कि फिक्स चलता है, क्योंकि ऑटोकैड में जब स्केल करते हैं तो अप्रोक्स में यही आइडिया लेके चलता है वो. और ये एग्जैक्टली उनके लिए ज्यादा जरूरी था जब हम लोग हाथ से जब ड्राइंग बनाते थे तो वहाँ पे प्रॉपर नापना पड़ता था. और वर्टिकल एंड इंक्लाइन लोअर केस अल्फाबेट द विड्थ इज इक्वल टू द हाइट, जितना विड्थ है उतना ही क्या कर दो उसकी हाइट कर दो फॉर द मेजोरिटी ऑफ द लेटर्स, मैक्सिमम लेटर्स के लिए. तो वही है साइज ऑफ लेटर्स इज 75% रिकमेंडेड फॉर द इंक्लाइन लेटर्स, और 75 डिग्री एंड मतलब उतना टेढ़ा रखना चाहिए. और स्टैंडर्ड हाइट ऑफ द लेटर्स इज 3.557 और 10 mm. ले चल प्रियो, ये वही हाथ ड्राइंग के लिए है. मेन टाइटल 7 mm 10 mm, सब टाइटल 5 mm 7 mm. बस अब इसका जमाना लेकिन अब थोड़ा थोड़ा जा रहा है. डायमेंशंस नोट्स एक्स्ट्रा 3.5 5, मतलब कुछ अलग से लिख के देते हैं ना, ये हम लोग अभी भी यूज करते हैं. तो अलग से जो नोटिफिकेशन लिखेंगे उसके लिए आप ये लेटर यूज कर सकते हो. इनके बीच में कुछ भी 4 4.5 5, ये देखो आपकी डायमेंशनिंग है. यहाँ पे अलाइंट सिस्टम है और अनडायरेक्शनल है. तो अनडायरेक्शनल मतलब इस तरीके से आपके पास ऐसे दिखाएगा आपको, ये ऐसे दिखाएगा, ये ऐसे दिखाएगा आपका लेटर्स सब कुछ. और ये आपका क्या है अलाइन है प्रॉपर, तो अलाइन में आपको इस तरीके से दिखाएगा. इसके बाद हम लोग यहाँ पे रूल्स ऑफ डायमेंशनिंग देखेंगे थोड़े से. ऑल द डायमेंशंस ऑन द ड्राइंग्स मस्ट बी शो यूजिंग आइदर अलाइन सिस्टम और अनडायरेक्शनल सिस्टम, कोई भी ले सकते हो. और मैंने दिखाया था कि आप हॉरिजॉन्टल ले लो, या फिर क्या बोलते हैं जैपनीज इंडस्ट्रियल स्टैंडर्ड GIS ले सकते हो, ऑटोकैड में था ये. इन नो केस शुड द टू सिस्टम मिक्स ऑन द सेम ड्राइंग्स, एक ही सिस्टम फॉलो करो. और द सेम यूनिट शुड बी यूज फॉर द ऑल डायमेंशनिंग्स. एक मीटर में कर दिया, एक किलोमीटर, एक मीटर में, एक mm में, एक सेंटीमीटर में, ऐसा कभी नहीं करना चाहिए. डायमेंशन लाइन शुड बी नॉट क्रॉस ईच अदर्स, मैंने बोला था ना डायमेंशन लाइन किसी को क्रॉस करना चाहिए, और न ही आपका बताया था ना मैंने अगर क्रॉस किया तो क्या करेंगे ब्रेक लाइन लगा देंगे बीच में, और ब्रेक लाइन नहीं लगाया तो गलत हो जाएगा वो. डू नॉट यूज द आउटलाइन और सेंटर लाइन एज अ डायमेंशन लाइन. डायमेंशन लाइन मतलब डायमेंशन लाइन होनी चाहिए, सेंटर लाइन मतलब वो डॉट डॉट वाला मत कर दो उसके लिए, न ही आउटलाइन वाला सिंबल लगाओ उसके लिए. अवॉइड डायमेंशनिंग हिडन लाइन, हिडन लाइन बिल्कुल भी नहीं करना है डायमेंशन लाइन में. क्या होता है कुछ लोग डायमेंशनिंग करेंगे उनकी जो डायमेंशन लाइन रहती है डॉट 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 रहती है, दैट इज रॉन्ग. No dimensions should be reiterated and to given only. क्या लिखा है ये, no dimensions should be redundant and to be given only once. पता नहीं क्या है उसमें, आई थिंक एक वन टाइम देना है, नया पता नहीं कहाँ से आ गया. Note mentions the unit should be placed below the drawings. आपकी जो भी लिखा हुआ है ड्रॉइंग के जस्ट नीचे उसको लिखा होना चाहिए कि इसका हमने क्या यूज किया है, कौन सा यूनिट लिया है, उसके बारे में इंफॉर्मेशन होनी चाहिए. ये तो आपने आपको पढ़ा भी पढ़ाया, बट ये बहुत काम का है. कंटिन्यूस लाइन आप सब यूज करते हो तो ऐसी रहती है ठीक वाली, जिसमें क्या रहता है विजिबल आउटलाइन एजेस. ये कॉर्नर का देख लो, अभी इस सीट को ही देख लो, ये देख लो बाहर का जो लाइन है क्या है कंटिन्यूस है, बट ये बाहर का है क्यों, क्योंकि ठीक है. देखो विजिबल आउटलाइंस, प्रॉपर आउटलाइन दिखनी चाहिए. और ये जो देख रहे हो ये क्या है अंदर का कंटिन्यूस देख रहे हो, ये यहाँ पे ये आपको एग्जाम्पल मिल गया. ये किसके लिए, कंस्ट्रक्शन लाइन एंड एज डायमेंशंस लेडर लाइंस हैचिंग आउटलाइन एडजस्टमेंट पार्ट आउटलाइन और रिवॉल्व सबके यूज कर सकते हैं इस लाइन को. ये आपका कंटिन्यूस है. ये कहा लिमिट्स ऑफ पार्शियल व्यूज और सेक्शंस व्हेन द लाइन इज नॉट इन एक्सेस. लाइन कभी इधर जा रही, कभी इधर जा रही, कभी ऐसे, कभी ऐसे, स्प्लाइन जिसको हम लोग आपके अभी ऑटोकैड के लैंग्वेज में बोलते हैं.
ये है डैश लाइन जिसको हम लोग यहाँ पे थिक किए हैं, तो इसको ये कब यूज करेंगे, हिडन आउटलाइन एजेस को दिखाने के लिए। और यही चीज चैन में एक बड़ा एक छोटा सेक्शन लाइन अभी जिसको हम लोग बोल के आए अभी पीछे, वो ऐसा होता है सेंटर लाइन से हम लोग, ये देखो एक्सट्रीम पोजिशन ऑफ द मूवेबल पार्ट, ये चैन है जिसमें थिक एंड और चेंज डायरेक्शनल एल्सवेयर, कटिंग प्लेस दिखाने के लिए हम लोग दिखाते हैं कि कट हुआ है, तो उसके लिए थिकनेस थिकनेस और ये डॉट 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 कर देते हैं। यहाँ पे जाएंगे कन्वेंशनल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मटेरियल्स, क्योंकि अगर आप कुछ मटेरियल यूज कर रहे हो जैसे कि ग्लास यूज कर रहे हो, आप कैसे बताओगे ग्लास, पेंसिल से देखा होगा आपने डेस्क कर देते थे पहले हम लोग कॉलेज में, इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो क्या हो जाता था, तो बता देता था कि ये ग्लास है, ग्लास है ये आपकी ऐसे लाइन आप ड्रॉ कर देते थे, ऐसे ड्रॉ करते थे, ये क्या बता रहा है, ये बता रहा है स्टील कास्ट आयरन कॉपर एंड इट इज एलॉय एल्यूमिनियम एंड सबका मिक्सअप भी आप बता सकते हैं इसमें, ये लीड जिंक टीन व्हाइट मेटल्स इन सबका प्रेजेंटेशन है ये। एज अ वेराइटी ऑफ मटेरियल्स आर यूज इन इंजीनियरिंग एप्लीकेशन इट इज प्रिफरेबल टू हैव डिफरेंट कन्वेंशन ऑफ मटेरियल्स टू द डिफरेंट बिटवीन द वेरियस मटेरियल्स इन द इंजीनियरिंग ड्रॉइंग्स। पैकिंग ऑफ इंसुलेटिंग मटेरियल्स, इसमें आप ये सब अलग अलग देखो क्या होता है, बहुत मटेरियल होते हैं, सबकी एचिंग बहुत ज्यादा होती है, इसमें स्टोनवेयर मार्बल स्लेट इन सब की आपने देखा होगा आपके ऑटोकैड में कितनी ढेर सारी हैचिंग्स हैं। ये आप ऐसी हैचिंग कब बनाओगे, फाइबर्स फेल्ट सिंथेटिक रेजिन प्रोडक्ट पेपर कॉर्क, तो ये ना बार बार करते करते याद हो जाता है ये सब देख देख के। अब ये लिक्विड्स में दिखाना है, लिक्विड में क्या, वाटर ऑयल पेट्रोल केरोसिन एक्सेट्रा सबके लिए ऐसे ऐसे आप दिखा दो तो समझ आ जाता है भाई इसमें क्या क्या मटेरियल भरा हुआ है। ये तो सब देख के लग रहा है लकड़ी वगैरह प्लाईवुड वगैरह एक्सेट्रा इन सबके लिए ये मटेरियल यूज किए हैं। ये आपका क्या है कंक्रीट के लिए है, फिलहाल ये जस्ट डॉट डॉट डाल दो तो कंक्रीट समझ आ जाता है कि कंक्रीट सैंड ग्रेवल सबके लिए यूज होता है। चलिए तो ये आपका था थोड़ा सा कॉन्सेप्ट जो आपको क्लियर हुआ होगा। अब हम लोग थोड़े से देखते हैं यहाँ पे ऑटोकैड के बारे में, फिलहाल ये तो आपको मैंने पहले दिन बताया था। ऑटोकैड इज वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर सॉफ्टवेयर, इट वॉज डेवलप बाई ऑटोडेस्क कंपनी 1982 दिसंबर में कम्प्लीट हुआ था 1982 में कैलिफोर्निया में। CAD system uses from the computer instance of classical tools like pencil, ink, rubber, paper, ये सब को जरूरत नहीं है भाई, सब यहाँ पे है व्यवस्था अंदर। Scaling of the drawing can be drawn very easily, बहुत अच्छे से स्केल कर सकते हो। Use of layers help in drawing very complex figures, कैसा भी टफ हो लेयर बना दो, अभी हम लोगों ने कल ही पढ़ा है लेयर्स, तो क्या हो जाता है ईजी हो जाता है ना कि एक लेयर को बंद कर दिया। अब ये पता है कब इसकी जरूरत पड़ती है, लेयर्स की सबसे ज्यादा जरूरत कब पड़ती है, मैं कंपनी में था मेरी सेकेंड जॉब थी वो, तो उसमें ऐसा था कि हम लोग पांच लोग थे, टोटल पांच लोग थे और पांचों ड्राफ्टमैन थे, आप बिलीव नहीं करोगे पांचों ड्राफ्टमैन थे और वो अकेले इंजीनियर था, तो वो डिजाइन करके देता था। तो हमारा काम, मेरा काम क्या था, मेरा काम था वॉल ड्रॉ करने का, वॉल कहाँ कहाँ पे ड्रॉ करना है मैंने ड्रॉ कर दिया। अब उसके बाद क्या होता था, इलेक्ट्रिकल वाला अपनी पोजीशन देता था कि मुझे यहाँ पे वो किचन वगैरह का सेटअप बना, बहुत वायरिंग होती थी, इलेक्ट्रिकल के सिस्टम्स दे देता था कि मुझे यहाँ पे करंट चाहिए, यहाँ पे सिंक लगाना है तो करंट चाहिए, यहाँ पे बर्नर लगाना है तो करंट चाहिए, यहाँ फ्रिज लगाना है तो करंट चाहिए, वो अपना लेआउट अलग देता था मेरे ही ड्राइंग पे। उसके बाद प्लम्बिंग वाला अलग से आता था, मुझे सिंक के लिए पानी यहाँ से देना है ओके, फिर ये पानी यहाँ से आएगा, यहाँ बर्तन धुलेगा, यहाँ ये होगा ब्ला ब्ला ब्ला, बहुत सी चीजें रहती थी। तो वो अपनी ड्राइंग, उसी ड्राइंग में वो अपनी ड्राइंग बनाता था। तो उसके बाद फिर क्या होता था, फिर उसके बाद आता था ये अपना वो जो होते ना इंटीरियर वाले कि मुझे ये चीज यहाँ रखना है, मुझे ये चीज यहाँ रखना है, ये सब वो अपना अलग से प्लानिंग करके पूरा देते थे। और फिर उसके बाद एक और कौन रहता था उसमें, कोई और रहता था, वो क्या करता था, हाँ वो क्या होता है जब किचन का सेटअप करते हैं तो गैस का वो जो उसकी मतलब जो हीट वगैरह रहती, हीट वगैरह को ले जाने को टर्म याद नहीं आ रहा है एग्जैक्टली, तो वो क्या होता था कि हीट वगैरह के लिए गैस किट वगैरह लगाते थे जिससे कि किचन का पूरा जो हीट वगैरह है वो बाहर निकल के चली जाए और अंदर गर्मी ना हो, उसके लिए वो अलग लगाते थे, तो उसका अलग ड्राफ्टमैन होता था। अब एक ही फाइल पे सब लोग काम करते थे और वो काम करने के बाद जो मतलब वो काम कंप्लीट करने के बाद ड्राफ्टमैन की, सर ड्राफ्टमैन की जॉब कहाँ से मिलेगी, बताता हूँ। तो वो काम करने के बाद क्या होता था कि पूरा एक मास्टर ड्राइंग बनती थी, क्या बनता था, एक मास्टर ड्राइंग बनती थी। चलिए आपने याद दिला दिया तो मैं उस ड्राइंग को दिखा देता हूँ आपको, मजा आएगा आपको, याद आ गया तो बहुत दिन हो गया तो दिखा देता हूँ आपको। और
एक पीपीटी आपकी खत्म हो चुकी है, इसके आगे कुछ नहीं था, ये आपके थैंक यू हो चुका है आपका। तो जस्ट आपने याद दिला दिया, तो मैं मेरी सेकेंड जॉब थी वो मैं आपको दिखाता हूँ। ड्राफ्टन की जॉब यार मुझे तो ऐसे मिली थी कि मैं कंपनी में काम कर रहा था, दूसरे ने रेफरेंस दिया था, बट कितने टाइप के ड्राइंग होते हैं अभी दिखा रहा हूँ आपको, एकदम एक्चुअल ड्राइंग्स जो मैं वहाँ पे करता था। मेरे मेल पे ड्राइंग है उसकी, छोटी कंपनी थी तो मुझे अलाउ कर देती थी, अभी वाली कंपनी तो अलाउ नहीं करती है ड्राइंग दिखाने को, ना ही हमें ड्राइंग मिलती है, बट इन इन कंपनियों में अच्छा था, दे देते थे जाओ ले जाओ। ये कंपनी थी, देखो मैंने ये सब काम मैंने किया है, आशीष मनचंदा फ्रेंड्री, मैं जो आपको दिखाना चाह रहा हूँ वो ड्राइंग देख रहा हूँ। एक कैफे का ड्राइंग था, ये दिखा देता हूँ, शायद यही होगा। देखो ऐसे ड्राइंग रिवीजन होती रहती है, एक ड्राइंग गई तो फिर वापस आई, फिर फेल हुई, फिर पास हुई, ऐसे होता चलता रहता है, पता नहीं यही है कि नहीं। ये 2016 में आई थिंक मैंने इसको किया था, तो तब की ड्राइंग है, 2016 अक्टूबर की ड्राइंग है, ये दिखाता हूँ आपको, ये ड्राइंग है, और भी होंगे। एक ये था सनी इनक्लेव करके, एक है बहुत बड़ा था, उसका हम लोगों ने किया था, तो वो नहीं होगा तो वो होगा जो मुझे दिखाना है, एक्चुअली दो तीन ले लेते हैं तो वो याद आ जाएगा कौन सा है, क्योंकि अब मुझे याद नहीं रहा कब हमने लिया था वो। एक था उसका पूरा ड्राइंग हमने कंप्लीट किया था, कैफे बना हुआ है, वो कैफे का शायद यही वाला है, वो कैफे में एक बर्गर का जो प्राइस मिलता है वो ये है, एक बर्गर का जो प्राइस है वो 800 रुपए है उसके अंदर, कैफे के अंदर। ये पूरा मैंने इसको एग्जीक्यूट करवाया है, और ड्राफ्टिंग में वॉल का काम मैंने ड्राफ्टिंग किया था, बाकी एक अलग से आर्किटेक्ट भी इसके लिए थी, मैं दिखाता हूँ, मस्त था ये। तो जिस दिन इसका इनोग्रेशन था, हम लोग को कूपन मिले हुए थे कि हम लोग 5,000 रुपए तक का ड्रिंक और खाना खा सकते हैं, और मैं ऐसा इंसान की ना ड्रिंक करना ना नॉनवेज खाना, तो मेरे पैसे यूज में नहीं आए थे। टेंशन मतलब अभिषेक, अभी क्या बोलते हैं, ड्राफ्टमैन की बहुत सी जॉब में दिलवाऊंगा, टेंशन नहीं है, अभी थोड़ा सा कोरोना का टाइम खत्म होने दो, पूरा मेरा फोकस हो चुका है, मेरे साथ एक प्लेसमेंट टीम मैंने पूरी लगा रखी है अपनी, और पूरा टाई अप हमारा हो चुका है, ऐसा करूंगा कि मतलब कोई ना कर रहा हो ऐसा ही करने का मेरा हमेशा प्लान रहता है, करूंगा, सबको जॉब दिलवा दूंगा, टेंशन मत लो, कोशिश रहेगी, गारंटी नहीं है कोई, कोशिश यही रहेगी। ये बार फाइनल सेक्शन, तो ये सेक्शन भी है क्या कि, और पूरा पूरा ड्राइंग मुझे चाहिए, तो पता नहीं इसमें पूरा ड्राइंग है कि नहीं, इसका सेक्शन मैं तुमको दिखाऊंगा, मुझे बनाना नहीं आता था तब, तो इतना गंदा बनाया था मैंने, देख देख के किसी तरीके से छापा था। अरे बहुत रोना पड़ता है भाई, लेकिन रोना क्यों आ रहा है तुमको, ये नहीं समझा रहा, ये मैंने ये सेक्शन बनाया था जो मुझे बनाना ही नहीं आ रहा था, तो बट किसी तरीके से मैंने बनाया था इसको, तो इसमें ऐसा था कि यहाँ पर एक लेडी बनाया था, वो पता नहीं वो ड्राइंग कहाँ पर गई, पूरा नहीं है यहाँ पे, तो यहाँ पे एक लेडी बैठाना था, और ये चेयर है, और यहाँ पे नहीं नहीं अच्छा इधर लेडी बैठेगी, और ये रेफ्रिजरेटर रहेगा, यहाँ पे ये बियर का पूरा बार का सेटअप रहेगा पूरा का पूरा, और ये यहाँ पे टेबल था, कॉकटेल स्टेशन था, यहाँ से कॉकटेल बनाना है, पैसे यहाँ से जमा करवाना है, और वो भी रखना है यहाँ पे, यहाँ पे एक लेडी दिखाना था, ये एक ऊपर से लाइटिंग आई हुई है, जिस लाइटिंग के थ्रू कोई यहाँ पे अगर अपना पैक वगैरह ले रहा है तो बड़ी अच्छी व्यवस्था थी इसमें, तो यहाँ पे बैठ के वो ले सकता है, और लेने के बाद वो चला जाए, नी स्पेस था यहाँ पे, देखो प्रॉपर ध्यान दिया गया इसका, नी स्पेस मतलब कितने भी आप बैठ सकते हो, और फुट रेल मतलब नीचे कितना छोड़ना था,
और ये पूरा सेक्शन मैंने बनाया था जिसमें हम लोग अलग अलग ग्लास रखने के लिए जगह थी, और ये ऊपर से इंटीरियर करना था इसका। और ये देखो ऐसे ऐसे पूरी रिवीजन होती है ड्राइंग। ये देखो ये मैं आपको दे दूंगा, पढ़ लेना। यहाँ पे देखो ये नोटिफिकेशन है, मैं इसकी बात कर रहा था। ये नोटिफिकेशन ऐसे लिखना पड़ता है कि आउटर टू आउटर लिया है कि इनर टू इनर लिया हुआ है, ये सब कुछ यहाँ पे लिखना पड़ता है। बट ना अभी मेन ड्राइंग नहीं मिली है जो मैं आपको अभी दिखाना चाह रहा हूँ। मेन ड्राइंग सेक्शन आई थिंक ये है, बट इसका ऑटोकैड फाइल कहाँ है? कैफे ही है, कैफे 26 रिवीजन। इसका ऑटोकैड फाइल है क्या? फाइल तो यही है, मतलब प्रोजेक्ट यही था, बट इसका ऑटोकैड फाइल चाहिए अपने को। ये है शायद, मिल गया, ये ड्राइंग है। इसकी आर्किटेक्ट थी मंजीत कौर, मेरी बहुत अच्छी दोस्त है। और तो आर्किटेक्ट का कभी काम होता है तो साइन विन का तो मैं इससे करवा लेता हूँ। समझ आ गया होगा आपको सेक्शन कैसे ड्रॉ होता है, आपको भी ड्रॉ करना। आप तो मेरे को आ गया अच्छे से, पहले मुझे नहीं आता था यार, बहुत दिक्कत होती थी किसी तरीके से बनाता था। ये देखो ये पूरी ड्राइंग का सेट होता है। देखो इसमें बहुत ढेर सारा मैंने बनाया होगा, आई थिंक पूरा कहाँ गया, यही पूरा। ये देखो ये मास्टर ड्राइंग बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं पूरे को? मास्टर ड्राइंग बोलते हैं। इसका अभी फाइनल नहीं है यहाँ पे, बट आपको दिखा दूँ मास्टर ड्राइंग में कैसे होता है। तो ये देखो ये ड्राइंग होती है जिसके अंदर सब लोग अपना काम दिखाएंगे। देखो इसके अंदर क्या है, बर्नर वाला ने बर्नर लगाया हुआ है, और जिसका इंटीरियर काम था उसने इंटीरियर का काम किया हुआ है अपने। ये जो सिंबल्स देख रहे हो ये लाइटिंग के सिंबल्स हैं कि लाइट कितना ऊपर कितना नीचे, लेकिन लाइट का अलग से होगा यार, गोला गोला बना हो रहता है उसका। देखो यहाँ पे जाना, लाइट वाला इसमें सिंबल नहीं है, मेन ड्राइंग नहीं है अभी ये। तो यहाँ पे देखो ये डाइमेंशनिंग ऐसे करते हैं, और यहाँ पे ये बर्नर करते हैं। यहाँ पर एक बहुत अच्छा सेटअप हुआ था मेरे साथ, तो मुझे अभी इसको प्रोजेक्ट देख के देखो ऐसे याद आता है। मुझे क्या करना था, यहाँ पर ओवन रखना था और यहाँ पे सिंक था। तो ऐसा था कि यहाँ पे जगह कम हो रही थी और ये सेट करना था। इसको सेट करने में हम लोग को पूरा दिन लगा था, क्योंकि स्पेस अगर सही से नहीं बनता तो जो कुक होते हैं, कुक अगर अगर इसमें बनाने जाते हैं तो उनको बनाने में दिक्कत होती, जगह प्रॉपर स्पेस करना था। तो सेटिंग करने में पूरा एक दिन लगा था, इसको कैसे सेट किया जाए। ये इसका बाथरूम था, और ये पूरा वो डीजे उजे चलता है यहाँ पे, बहुत अच्छा है, अभी भी ये बहुत अच्छा बना हुआ है ये। और ये इसका ये है, यहाँ से इसका एंट्रेंस था पूरा कंप्लीट। अंदर जाके लगेगा किसी अच्छे जगह पे आप आ चुके हो। और ये देखो अब इसी चीज का प्लम्बिंग वाले को केवल इतना दिया गया था कि भाई तुम प्लम्बिंग, ये देखो यहाँ पे दिया गया है प्लम्बिंग प्लान। अभी देखो पूरा मुझे धीरे धीरे याद आ रहा है, प्लम्बिंग प्लान में उसको हमने ये सब फालतू चीजें नहीं दिखाई। क्यों, उसको इससे क्या मतलब है, उसको तो प्लम्बिंग का काम करना है ना, तो उसने कनेक्शन के लिए केवल उसको दिखाया। यहाँ देखो क्या लिखा है, यहाँ पे इक्विपमेंट लेआउट प्लान। अब इक्विपमेंट कहाँ कहाँ कैसे कैसे लगाना है उसके लिए इसको इक्विपमेंट वाले को ये दे देंगे। और ये देखो यहाँ पे लिखा रहेगा ये है इलेक्ट्रिकल प्लान, मिल गया। इलेक्ट्रिकल वाले को भी हम पूरा फंसाएंगे नहीं, कंफ्यूज हो जाएगा। उसको बता दिया एक स्विच यहाँ देनी है, एक स्विच यहाँ देनी है। देखो ऐसे देते हैं, मेन सीवर के लिए कनेक्शन क्या है, या बोल्ट टोल्ट वो पढ़ते हैं, अपना अपना काम नहीं है ये, वो पढ़ते हैं एम्पियर वगैरह कितना लगाना है। और ये देखो एम्पियर समझ के वो यहाँ पे एक बोर्ड का कनेक्शन दे देंगे, एक कनेक्शन वो यहाँ पे दे देंगे, और यहाँ पे वो कनेक्शन दे के उसके बारे में लिख देंगे भाई कितनी स्विच दिया है, क्या दिया है, एक यहाँ पर दे देंगे कंप्लीट, और यहाँ पे इसकी लाइनिंग्स दे देंगे, और यहाँ पे हैज दे देंगे। देखो अपने आपको हम लोग क्या पढ़ रहे थे, कहाँ पे आगे, लेकिन ये आपको मजा आ रहा होगा इसको देख के। हैचिंग, ये देखो ये क्या है, हैचिंग्स कर देते हैं वॉल की। तो ये इलेक्ट्रिकल वाले को हम केवल ये देंगे। और एक ये देखो ये है मास्टर प्लान, मिल गया। मास्टर प्लान के अंदर सब कुछ दिखाएंगे, मतलब यही आपको अपने पास रखना है। और इसकी लेयर पता है कितनी बनती है, ये देखो इतनी लेयर बनती है। अभी लेयर देखो बोलोगे अरे इतनी लेयर्स होती है इसकी, ये देखो लेयर्स यहाँ पे देखोगे ये पूरा लेयर का सेट होता है इतना। हर एक वर्क के लिए अलग अलग लेयर्स है आपकी। अब आप देखे नहीं हो कितने लेयर्स कहाँ, बाप रे। देखो अब होता क्या है कि जब हमको प्लम्बिंग वाले को देना है तो बाकी जो लेयर्स होती हैं इक्विपमेंट वगैरह के, वो सब हम ऑफ कर देते हैं इसमें से, तो उसका निकाल के उसको दे दिया। इलेक्ट्रिक वाले को देना है तो बाकी सब निकाल दिया, जो इलेक्ट्रिक वाले के लिए इंपॉर्टेंट है बस उसको ऑन रखा, बाकी सबको ऑफ करके उसको दे दिया।
तो ये कंप्लीट ड्राइंग इस तरीके से कंप्लीट बनाई जाती है। अब इसको बनाने में हम लोगों ने लगभग 15 दिन लिया था इसको बैठ के। मैं गया था मेजरमेंट करने, क्योंकि मुझे ये वॉल वगैरह डालनी थी ना, तो मैं साइड पे जाके मेजरमेंट लिया, बाथरूम का मेजरमेंट लिया, ये सब काम मेरा था। बाकी सब काम के लिए अपने अपने लोग गए थे। पूरा ये प्रोजेक्ट हुआ था, कई लाख का प्रोजेक्ट था ये। चलो तो इस तरीके से था। और कोई प्रोजेक्ट दिखा देता हूँ आपको, जब ओपन किया है तो बार फाइनल ये टेरिस फर्नीचर एक था, इसका भी एक अलग था, फर्नीचर वगैरह सेट ही नहीं हो रहा था उसका। पता नहीं किसे मुझे अपने पुराने पे जो देखने के मन हो गए, ये भी देख लेते हैं। और ये जो इतने भयानक भयानक काम दे रहे हो, इसकी सैलरी मेरी कितनी थी पता है क्या? 10,000 सैलरी लेता था केवल। बहुत अच्छा पूछ भी लिया आरिज ने, और मेरे को पहले से भी आ गया। तो इसके मैं इसका सैलरी केवल मुझे 10,000 मिलता था पूरा काम के लिए। क्योंकि अपना ये स्टेयर का लॉबी वगैरह था, इसमें ये सब ये दिखाना था, सर्विस लिफ्ट थी यहाँ पे। टेस्ट में, अच्छा टेस्ट में स्केल कैसे बढ़ा बड़ा होगा? बड़ा इजी होता यार। देखो मान लो ये है, इसका स्केल बढ़ाना है, जिसको मैंने कॉपी कर लिया। हम लोग ऐसे करते थे, ऐसे बस मूव कर लिया। अभी हमारा ड्राफ्टिंग का कुछ काम नहीं है, हमारा सब छूट चुका है। अभी हम लोग मैनेजमेंट में आ गए धीरे धीरे। देखो उसको मैं मूव कर लूँ तो पहला हैंग कर गया यार, वो हैचिंग बहुत होती है ना तो हैंग करता है। ये देखो ये आ गया। अब मुझे इसको स्केल करना है, मतलब छोटा करना है। स्केल कमांड लिया 0.1, छोटा कर लो 0.5। अब इसको सेलेक्ट किया, फिर से बड़ा करना है 5 times। लो बड़ा कर दिया। सर प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में कैसे जा सकते हैं? ये बड़ा क्वेश्चन है ऋषभ, इतना जल्दी समराइज नहीं करते इसको। मैंने जो अभी सैटरडे संडे को जो हम लोग लाइव करेंगे, उसमें तुमको एक्सप्लेन में बताऊंगा, एक्सप्लेन करके बताऊंगा मस्त। ये देखो ये रिविजन क्लाउड है, यही रिविजन क्लाउड। मैं तुमको कहानी सुना रहा था ना कि मुझे रिविजन क्लाउड बनाना नहीं आ रहा था, तो ये वही रिविजन क्लाउड है जो मुझे बनाना नहीं आ रहा था। ये ऐसे बनाया था मैंने, और जबकि अभी भी उल्टा ही बना हुआ है, अप्रूव भी हो चुका है ड्रॉइंग। ठीक है चलिए, अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन आंसर पे। समझ में आ गया होगा आपको, दोनों पीपीटी आपको पढ़नी है। बिलाल बोल रहे हैं सर मेरे क्वेश्चन का भी आंसर दीजिएगा, क्या क्वेश्चन है हम देखे नहीं हम। अच्छा सर, हम लोगों को कंप्लीट बिल्डिंग के लिए कितनी ड्राइंग देनी होगी? यही तो बताया, ये देखिए ना कंप्लीट बिल्डिंग ही तो था ना जो हमने आपको दिखाया। क्या होता है बेटा, आपको कंप्लीट बिल्डिंग के लिए एज अ ड्राफ्टमैन तो आपको कुछ खास नहीं देना है, सिर्फ आर्टिस्ट ड्राइंग देना है, लेआउट देना है, सेक्शन और एलिवेशन देना है, बस इतना काम करना है। अब जो प्लान देंगे उस प्लान में आप अलग से दिखा, थोड़ा सा और अच्छा बनाने के लिए उसमें अपनी डिटेलिंग डाल सकते हैं। डिटेलिंग कैसे डाल सकते हैं? उसके अंदर आप दिखा सकते हैं कि एग्जैक्टली हमारा एलिमेंट कहाँ पे कौन सा लगाना है, मतलब कि ऐसे एलिमेंट दिखा दो प्रॉपर कि एक एलिमेंट हो गया। और जो एक एक दूसरी ड्राइंग बना दो स्ट्रक्चरल ड्राइंग्स, जिसके अंदर कॉलम दिखा दो बस। तो आपको कितनी ड्राइंग देनी है? एक स्ट्रक्चरल ड्राइंग दे दो, एक आर्किटेक्चरल ड्राइंग दे दो, एक दे दो अगर थोड़ा पैसा आपको अच्छा मिला हुआ है तो इंटीरियर का दे दो थोड़ा सा लेआउट का, और एक दे दो आप सेक्शन एलिवेशन बस, और एक कॉलम लेआउट खत्म, इतना सा देना होता है, 5 ड्राइंग्स। और जब छोटे छोटे प्रोजेक्ट के लिए केवल सेक्शन एलिवेशन प्लान 3 ड्राइंग्स, तो उसको एक ही में दे सकते हो आप सबको। ये अभी हमको दिखाने वाला हूं मैं आपको, अप्रूवल ड्राइंग कैसी होती है और वर्किंग ड्राइंग कैसी होती है, दोनों हम लोग देखने वाले हैं इसको, तो वहां पे ज्यादा समझ आएगा आपको। अभी मैं सिर्फ बोलूंगा तो आपको ना वो ऐसे लगे क्या बोल बता रहे हैं सर। ठीक है, मैं आपको समेशन ड्राइंग भी दिखाऊंगा, वर्किंग ड्राइंग भी दिखाऊंगा, मेरे पास प्रोजेक्ट है तो हम लोग देखेंगे तो आपको ज्यादा क्लियर होगा भक्ता। ठीक है, और किसी का कोई क्वेश्चन है तो पूछ सकता है। हाँ ग्रुप में ही दूंगा, ग्रुप में ही दूंगा। और क्या बोलते हैं, इन्होंने बोला सर वो अंदर के ऑब्जेक्ट टेबल बेड वो सारा कैसे ड्रॉ कर सकते हैं? वो ड्रॉ नहीं करना पड़ता यार, यहाँ पे ना अभी टॉपिक है, अभी खत्म होने दो, ये टॉपिक इधर रखा हुआ है सब कुछ यहाँ पे। ये देखो यहाँ पे कहाँ गया वो, ये देखो डिजाइन सेंटर है, यहाँ पे सब एलिमेंट रखा हुआ है, बस उठा कर ले आकर लगाना है केवल अमन। ठीक है आगे बताऊंगा। अब शेख प्रियदर्शी ने बोला है कि क्या बोलते हैं, आर्किटेक्चर ड्राइंग्स एंड स्ट्रक्चर ड्राइंग में डिफरेंस क्या है?
आर्टिक देखो यहाँ यहाँ पे जाओगे ENUS में जाओगे डिजाइन सेंटर में, यहाँ पे सारे टूल्स रखे हुए हैं आपको पहले से। होम डिजाइनर में जाओगे, ब्लॉक पे जाओगे, ये बताऊंगा अभी कंफ्यूज मत होना, ये एक टॉपिक है हमारा, ठीक है। अब देखो बाथ का टब पहले से रखा हुआ है, सिंक पहले से रखा हुआ है, सब बताऊंगा, डोंट वरी। ओके आकाश दीप ने बोला सर ड्राइंग को अप्रूव कैसे करवाते हैं, बताऊंगा ये भी कैसे अप्रूव करवाना है। और शेख आदिल ने बोला सर ये ड्राइंग कंप्लीट के लिए कितना टाइम लगेगा। एक्चुअली ये ड्राइंग कंप्लीट करने में तो 15 दिन लगा था ब्रदर, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था और बहुत बड़े आदमी का प्रोजेक्ट था। और सर RCDC को कैसे इंस्टॉल करते हैं बता दीजिए। RCDC में अभी ये आज आज का वीडियो में मैंने बताया हुआ है, वीडियो जो आने वाला आप एक बार देख लेना। और ऑटो कैड का वो जो स्टेट प्रो का कोर्स चला उसमें RCDC और स्टेट प्रो दोनों कंप्लीट बताया हुआ है, और बता देंगे बिबलियस उसमें कंप्लीट आपको। अमन ने बोला है वाओ वो प्लांट का कल हट में बना रहा था, दिमाग का सही हो रहा था, टेंशन नहीं उसके अंदर बाई डिफॉल्ट रखा हुआ है, बताऊंगा। और यहाँ पे बिलाल ने पूछा सर कुछ लोग छोटे प्रोजेक्ट में इलेक्ट्रिकल ड्राइंग भी मंगाते हैं। हाँ तो दे देते हैं ना, छोटे प्रोजेक्ट में कुछ टेंशन नहीं रहता है, छोटे प्रोजेक्ट में दिखा दिया यहाँ पे एक स्विच दे देना, एक स्विच यहाँ दे देना, एक जा दे देना। बड़े के लिए उसका अलग ड्राफ्टमैन लगता है, इलेक्ट्रिकल ड्राफ्टमैन अलग होता है, छोटे के लिए दे देते हैं। सर आर्किटेक्चर स्ट्रक्चर में डिफरेंस बताया ना, स्ट्रक्चर ड्राइंग में हम कॉलम और बीम का पोजिशन दे देते हैं, बीम नहीं सिर्फ कॉलम का पोजिशन दे देख सकते हैं, और उसके साथ सेंटर लाइन प्लान उसको प्रोवाइड कर देते हैं। वीडियो अपलोड हो गया है, अच्छा अच्छा अपलोड हो गया है क्या, अभी मैंने देखा नहीं, तो हो गया होगा, वो लगा दिया था मैंने। चलो ठीक है, अभी आप लोग जाओ और क्या बोलते हैं कर लो। सर मेरे PC में टेक्स्ट और एरो का साइज इंक्रीज नहीं हो रहा है, जो हम एक अच्छा इंक्रीज हो रहा है, स्केल कमांड नहीं चला होगा। और अगर नहीं हो रहा है तो एक बार कंट्रोल पैनल पे जाके सॉफ्टवेयर को, माहिर आप सॉफ्टवेयर को अपडेट कर दो। सॉफ्टवेयर को जैसे ही अपडेट करोगे ना, जैसे सॉफ्टवेयर के ऊपर राइट क्लिक करोगे तो एक अनइंस्टॉल का ऑप्शन आता है, एक रिपेयर का ऑप्शन आता है, आप रिपेयर कर दो, कुछ गड़बड़ रहेगा तो हो जाएगा। अरे सोमिता मैं आपका सॉफ्टवेयर लगा रहा हूँ, बार बार ना लगा के कैंसिल हो जा रहा है, 3 GB का लगाया था फिर से कैंसिल हो गया, और मैंने फिर से लगाया हुआ है, अगर हो जाता है रात में आपको मैं देता हूँ, भेज देता हूँ, ठीक है। मैंने कई बार लगाया आपका सॉफ्टवेयर, पता क्या हो रहा है, वो 3 GB का सॉफ्टवेयर है और बीच में क्या होता है कहीं ना कहीं से नेट ऑफ हो जाता है और फिर क्या होता है फिर कैंसिल हो जाता है, तो वो पंगा जा रहा है। मैं कर रहा हूँ, मैं तुमको आज देता हूँ सुमिता। और सर मेरी सर प्रॉब्लम मेरी है सा हो रही है। अच्छा, यही तुम्हारा भी प्रॉब्लम है क्या? ओके ओके ठीक है, कोई नहीं, मैं आज कोशिश करके तुमको देता हूँ किस तरीके से। एक्चुअली पहले मैंने गलती की, 64 बिट का डाउनलोड कर लिया, अब मुझे पता चल रहा है कि 32 का देना है, तो 32 का फिर से लगाया मैंने। चलो मैं करके देता हूँ तुमको आज। और सेंटर लाइन प्लान मीन्स बताऊंगा, सेंटर लाइन आगे है थोड़ा, वो अलग टॉपिक है सेंटर लाइन। तो वो सेंटर लाइन में क्या होता है कि आपको कॉलम की पोजीशंस देखनी पड़ती है। सर यूनिक यूनिक रूफ डिजाइन कैसे करेंगे जिसमें लोग देख के बोले रूफ डिजाइन की है? अच्छा, कर सकते हो भाई, यूनिक डिजाइन में क्या वो लाइन से तो करना है, मेथड बता दूंगा, बाकी तुम कर लेना अपने से। चलो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी कल सर देखेंगे नए एक एपिसोड क्वेश्चन में। था हाँ सर, जी हाँ जी बोलो 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 वो बिलाल आपने बोलो। के लिए फ्लोर प्लान दिया था हाँ तो उसमें डाइमेंशंस में थोड़ा बहुत माइनर डिफरेंस आ रहा है, बहुत माइनर सा। हाँ तो मतलब आ सकता है क्या सर, थोड़ा बहुत माइनर सा डिफरेंस ऊपर हाँ नीचे? चलता है ना, आता ही आता है यार, क्या होता है 100% एक्यूरेसी नहीं आती है ड्राइंग में, थोड़ा बहुत तो इधर उधर अच्छा हो ही जाता है कभी कभी। अब तुम जो मेरा ड्राइंग है जो मैंने तुमको वर्कबुक में दिया है, उस ड्राइंग में दो तीन चीजें गलत हैं, अब तुम उसको ध्यान से अगर देखोगे तब तुम्हें पता चलेगा। अगर तुमने बनाया होगा जो मेरा वर्कबुक तुमको शेयर किया हुआ है, उसमें जो जी मैनेज कर पाएगा वही वो ड्राइंग को कंप्लीट कर पाएगा, दो तीन जगह वो गलत है उसमें से, ठीक है। तो जी लगता सर, है वो थोड़ा बहुत अकॉर्डिंग इधर टू उधर। डायमेंशन बनाया मैंने तो थोड़ा बहुत इधर उधर हो रहा था। हाँ वो आप वर्कबुक को देखो, वर्कबुक में अगर बनाओगे ना थोड़ा बहुत इधर उधर, मेरी खुद की ड्राइंग हुई है, मैं बता रहा हूँ खुद ही। चलिए और तो यहाँ इस पे कोई टेंशन नहीं उसका। हाँ ठीक है सर, ऑटोडेस्क में वेरिफिकेशन के लिए आ रहा है, ऑटोडेस्क में वेरिफिकेशन के लिए क्यों आ रहा है? नेट ऑफ करके चलाओ ऑटो कैड को ना, नहीं आएगा, नेट ऑफ करके चलाओ, ऑन करके मत चलाओ, अलाउ नहीं होता है, सिंपली जीमेल से नहीं डाउनलोड हो रहा है। मैं फिर से डाउनलोड कर रहा हूँ, दे देता हूँ, और क्या बोल सकता हूँ सर। वो ड्राफ्ट वाला जॉब के लिए मिला था, थोड़ा इन्फॉर्म कर देना प्लीज। ओके जरूर, मिला तो जरूर बताऊंगा। चलो ठीक है, मिलते हैं हम लोग कल इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय। अच्छा मजा आया, चलो थैंक यू।